यो यो आई एम लाइव गाइस, आई एम लाइव। एंड बाय द वे आज मैच 5:30 बजे है, बट आई हैड द चॉइस ऑफ शिफ्टिंग द टाइम टू 5:30 और सिंपली स्टार्टिंग एट 4:30। मैंने कहा सेम टाइम रखते हैं यार, वी कैन एक्चुअली जस्ट हैव एन अरिना। एक मेंबरशिप देनी बाकी थी, मैंने कहा वही कर लेते हैं भाई, बेटर रहेगा। सो मैच करेंगे हम 5:30। बाय द वे एक बार एक पहले पेयरिंग देख लेते हैं यार, लेट्स हैव अ लुक एट द पेयरिंग। सो निहाल सरीन इज प्लेइंग ऑन वन ऑफ द टॉप बोर्ड्स अगेन गाइस, ही इज प्लेइंग पेट्रोस एंड मैनुअल। एंड अगेन अगर वो आज जीतता है तो ही माइट प्ले फ्यूजर टुमारो, इट्स वेरी लाइकली। हरी कृष्णा अगेंस्ट डैनियल स्वर, शशि किरण अगेंस्ट फेदोसीव, नवारा अगेंस्ट गुकेश, प्रगनंदा अगेंस्ट ममेदोव, रौनक अगेंस्ट रखमानोव, कोरी अगेंस्ट सेथुरमन, एरिगेसी अगेंस्ट गुरेज कीना, द ओनली फीमेल प्लेयर एंड सो ऑन गाइस। कैन सी अदिवान इज हैविंग अ टफ टाइम, बट टुडे ही हैज अ वीकर ओपोनेंट, सो लेट्स होप सो ही ऑल्सो कैचेज अप इन फॉर्म। एंड बाकी फीमेल प्लेयर्स में हरिका एंड वंतिका ऑल्सो आर प्लेइंग रियली वेल, एंड पद्मिनी वैशाली एंड दिव्या राइट बिहाइंड। सो दीज आर द पेयरिंग्स फॉर टुडे। एंड इसको हम ऑफकोर्स ध्यान से फिर से देखेंगे, बट अभी टाइम है बिकॉज एज यू कैन सी अभी 5:30 बजे मैच है आज। तब तक के लिए भाई हम खेलेंगे एक अरीना एंड एक चेसबोर्ड को मेंबरशिप देंगे अभी हम। उसके लिए मैं टूर्नामेंट क्रिएट करने वाला हूँ गाइस। इंडिया ओपी रखते हैं आज, इंडिया का न्यूजीलैंड से क्रिकेट मैच भी है और इंडिया का वेल ऑफकोर्स ये टूर्नामेंट भी है, सो लेट्स कीप इट इंडिया ओपी एंड लेट्स स्टार्ट द टूर्नामेंट। सो 3+0 करते हैं भाई, 30 मिनट्स शुड बी गुड इनफ। ठीक है, डन। ये लिंक है गाइस, यू कैन ज्वाइन द टूर्नामेंट, आई विल स्पैम द लिंक जल्दी से। रैंकिंग्स देखेंगे भाई, रैंकिंग्स इट्स टू अर्ली टू सी द रैंकिंग्स गाइस। अभी क्या है कि अभी 4 ही राउंड हुए हैं, 11 टोटल है, 7 राउंड पेंडिंग है। अभी रैंकिंग्स देखने से कोई फायदा नहीं होगा आरुष, दैट्स द ओनली थिंग। गाइस स्ट्रीम लाइक जरूर कर देना आते ही, एंड वी आर हैविंग अ क्विक टूर्नामेंट। मे बी आई शुड प्ले, आई विल प्ले अ फ्यू गेम्स, क्यों नहीं। या सो गाइस आज का मैच है 5:30 बजे, आई थिंक आई शुड समराइज इट इन अ ब्रीफर मैनर। Today's games start at 5:30 p.m. Till then, try to win a Chess.com membership. I think that sounds fine. And I'll add the arena link as well. Yeah, that should work. Done. मेरी फेवरेट ओपनिंग, इट हैज टू बी अ टफ चॉइस बिटवीन लंडन एंड क्वींस गैम्बिट, बट बिकॉज आई प्ले द क्वींस गैम्बिट ब्लैक ऑल्सो, तो मे बी क्वींस गैम्बिट। हैप्पी हैलोवीन भाई, बिल्कुल हाँ, रैंडम नंबर जनरेटर होगा भाई, बिल्कुल रैंडम जनरेटर होगा, तो एक स्पेसिफिक पॉइंट्स चूज करेंगे। द विनर विल नॉट विन द टूर्नामेंट गाइस, एनीबडी हु इज न्यू, दिस इज हाउ वी कंडक्ट टूर्नामेंट्स। वील हैव एन अरीना एंड वील चूज अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स, चाहे वो 10 पॉइंट हो, 5 पॉइंट हो, 15 हो, 25 हो, उसके ऊपर जितने भी लोग होंगे वो सब क्वालिफाई करेंगे और उनमें से हम फिर रैंडम नंबर जनरेट करेंगे रैंकिंग्स के बेस पे, एंड उस बंदे को मेंबरशिप मिलेगी। अब शॉर्ट्स के लिए डाल, शॉर्ट्स थोड़े कम डालता हूँ, ऐसे शॉर्ट्स में ना यार, इट्स लाइक इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स लाइक 4-5 आवर्स टू मेक वन शॉट, क्योंकि आइडिया सोचने में टाइम लगता है, इट्स नॉट प्रोडक्टिव जब स्ट्रीम चल रही है इतनी लंबी, तो टाइम ही नहीं मिलता हुआ उसके लिए। तो गाइस टूर्नामेंट ज्वाइन कर सकते हो, वी हैव 24 प्लेयर्स ऑलरेडी, लेट्स स्टार्ट। मैचअप्स एंड रैंकिंग्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के। व्हाट्स द बेस्ट एस्पेक्ट ऑफ गुकेश's गेम, गुकेश का प्ले बाय द वे स्टार्टिंग से ही काफी इंटरेस्टिंग रहा है, बिकॉज ही इज वन हु कैन डोमिनेट टूर्नामेंट्स, या मतलब उसका जीएम नॉम भी लिटरली 9 में से 8 पॉइंट करके हुआ था एक, सो ही इज लाइक ही कैन विन स्ट्रेट मैचेस, सो वंस ही इज इन फॉर्म ही कैन प्ले रियली वेल। व्हाट इज सोनबर्गर स्कोर, हाउ इज इट ट्रीटेड, इट्स अ फॉर्म ऑफ टाई ब्रेक उदय, अनफॉर्चुनेटली आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली हाउ इट इज कैलकुलेटेड, कुछ ओपोनेंट के स्कोर से ही एड होकर के होता है, बट इट्स नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टूडे फॉर्चुनेटली। ऑफकोर्स सिद्धार्थ भाई, अरे बढ़िया हूँ आदि जी, आप कैसे हो, हेलो आर एन जी, हमारे हेड मॉड आ चुके हैं, पधारे हैं। हाउ मच टाइम्स इट टेक टू लर्न चेस, मतलब इतना थ्योरी याद कैसे रखते हो भाई, वो विद विद एक्सपीरियंस होता है यार, आई एम श्योर द मोर टाइम यू स्पेंड ऑन चेस द मोर थ्योरी यू नो, दैट्स अ पार्ट एंड पार्ट्स ऑफ द गेम। डकवर्ड लुअर जैसा भाई, डकवर्ड लुअर से ज्यादा फेयर आई वुड से, डकवर्ड लुअर से तो इट्स रैंडम है, वो कुछ ज्यादा ही रैंडम है। अब आई इतनी बारिश पड़ गई, इतनी बूंद पड़ गई, इतने टाइम के लिए पड़ गई, तो इतना स्कोर करना है, दैट्स अ बिट रैंडम आई वुड से। निहाल इज प्लेइंग, वी सॉ इट जस्ट राइट नाउ गाइस, निहाल इज प्लेइंग, लेट मी शो यू वंस मोर, Nihal is playing Petrosian Manuel today. He's 2605.
देयर वाज अ फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन विद द नेम ऑफ पेट्रोजियन, ये वो बंदा नहीं है फॉर्चुनेटली, उसका भूत नहीं आया खेलने के लिए, इट्स सम अदर पेट्रोजियन फ्रॉम आर्मेनिया एंड ही इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, बट ऑफकोर्स निहाल इज द बेटर प्रोस्पेक्ट हियर एंड इफ ही विंस तो कल उसका फ्यूचर से मैच हो सकता है भाई. इंडिया ऑफकोर्स भाई लीड कर रहा है फिरूजा भाई विद 3.5 आउट ऑफ 4, ही इज द ओनली गाय ऑन 3.5 आउट ऑफ 4 एंड या निहाल मिस्ड F4, या ट्रू बट ओके मे बी ही सॉ F4 एंड ही जस्ट नॉट डिड नॉट फील लाइक इट वाज गिविंग हिम इनफ एडवांटेज टू कंटिन्यू. या लेट्स नॉट डिस्काउंट निहाल देयर. वी वांट आर्मेनिया ईगल्स वाला पेट्रोल, शाबाश बेटे. वर्ल्ड चैंपियनशिप में कार्लसन डोमिनेट करेगा फॉर श्योर, फॉर श्योर मैन, आई थिंक सो टू. By the way guys, do like the stream, let's get to 200 likes as quickly as possible. Aaj ke matches 5:30 baje start hai, tab tak ke liye you can join this arena and try to win a CSGO membership. And as I mentioned, you should be able to join. There's a club you might have to join for this. I'll share the club link quickly. This is the club link for that. Vivek, yes, 8.5 should be enough for tied first at least. I think at least tied first. That should be enough. Yo Ankur, kya haal hai? I want Nihal as world champion 2025 or so. Definitely possible. Definitely a possibility. A very real possibility. भाई नींद आ रही है भाई, तेरे मुझे सो जाए मस्त कंबल ओढ़ के भाई, ठंड होने लग गई अब तो. फिरूजा और निहाल में कितने एज का डिफरेंस है भाई? एक साल का यार. आई थिंक फिरूजा इज लाइक 18 एंड निहाल इज 17, समथिंग लाइक दिस इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. बिकॉज ऑफ गाइस, वहां पे यूरोप में एक नखरे होते हैं, दैट इज डे लाइट सेविंग. उसमें क्या करते हैं वो विंटर्स में आधा घंटा क्लॉक कुछ पीछे कर देते हैं और समर्स में कुछ आगे कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस. एंड वो 31st दिसंबर को था, अक्टूबर को. सो दैट मींस कि लैटविया में अभी 2 बजे के स्टार्ट होता है, बट अभी वहां पे सिर्फ 1 बज रहे हैं. एक साथ भाई बड़े पंगे होते हैं. एक बार लिटरली मैं खेल रहा था, आई थिंक सर्बिया में ही खेल रहा था कि लैटविया में ही खेल रहा था, पता नहीं कहाँ खेल रहा था मैं, मेरे स्टार्टिंग के टूर्नामेंट्स में से एक था. एंड मैं एक लिटरली 1 घंटे पहले से चला भी गया. मैं चला भी गया टूर्नामेंट हॉल, बाद में पता लगा कि भाई लिटरली ये तो डेलाइट सेविंग चक्कर है भाई. भाई सही में भाई, साल में 2 बार ये नखरे होते हैं भाई, लिटरली पता लिटरली मतलब जब रात के 3 बजते हैं, हाउ दे डू इट इज, रात के 3 जब बजते हैं तो पूरा देश अपनी क्लॉक 1 घंटा पीछे कर लेता है 2 बजे. एंड जब उनको समर में आगे बढ़ा होता है तो पूरा देश 1 घंटा अपने 3 से 4 कर देता है. तो 3 से 4 का टाइम, जब एक्स्ट्रा घंटा सोने को मिला तब तो ठीक है, जब 3 से 4 कर दिया तो जो बंदा बेचारा शाम को 11 बजे सोया कि भाई 7 घंटे की नींद करूंगा, उसकी बेचारे की 6 घंटे की हो गई. स्टैंडिंग्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट राइट नाउ, इट्स ओनली 4 राउंड सो फार. फिरूजा फर्स्ट है बस, दिस इज कीप इट दैट. पूरा देश भाई, हाँ अगर आप नहीं करोगे तो दुनिया तो कर लेगी. सो बड़े ड्रामे है भाई, इसलिए ये अब हमें भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. अब मैं 5:30 स्ट्रीम कर सकता था, मैंने कहा नहीं यार 4:30 ही करते हैं भाई, आदत हो गई अब तो. इन टोटल 11 राउंड्स गाइस, 11 राउंड्स. अब पागल नहीं है भाई, एक्चुअली इट डज मेक सम सेंस, बिकॉज वहां पे क्या होता है कि वहां पे कई बार दिन और रात में बहुत डिफरेंस है. यहाँ पे क्या है कि विंटर हो समर हो, नंबर ऑफ आवर्स इन द डे एंड द नाइट इज काइंड ऑफ सिमिलर. वहां पे क्या होता है कि दिन को समर्स में रात के 10 बजे तक दिन होता है, तो इट्स लाइक दे हैव टू एडजस्ट अ लिटिल बिट. कुछ ना कुछ लॉजिक तो है, बट या इट्स अ बिट हेक्टिक यार, मतलब पूरी दुनिया के लिए कॉम्प्रोमाइज करना. आई वर्क इन IT फॉर अ UK बेस्ड कंपनी, व्हाट अ पेन इन द एस दिस थिंग इज. अनिशा फॉर श्योर, होपफुली यू ट्रैवल टू द UK सून एंड फिगर इट आउट. The fourth round Liga started with some players getting less sleep because they at 1 AM fire alarm went off in the hotel. That's what everyone announces. Okay, interesting. Nihal defeated this guy this year. Okay, interesting. Jasmanji court pe khel rahe. OTB bhai tournament ho jaye to bhai tab karenge na yaar. Aaj ke pairing bata do bhai. Bilkul bhai, pairing maine batayi thi abhi. Main ek bar khol ke rakh deta hu pairing and you can check it out. और एक बार फिर से टूर्नामेंट के बाद फिर से देखेंगे. निहाल फॉर कैंडिडेट्स भाई, यही तो हमारी उम्मीद है, यही तो हमारी कामना है कि निहाल फॉर कैंडिडेट्स. गाइस टीम लाइक करते चलो भाई, लेट्स गेट टू 200 लाइक्स, जल्दी से भाई, जल्दी से. होप करना शोस दिस टैलेंट लमाओ. भाई हंसने की जरूरत क्या थी यार उसमें, ही कैन शो हिज टैलेंट. रैंडम को मिलेगा भाई जिसमें, रैंडम को, बुलेट नहीं यार, बुलेट इज लाइक टू रैंडम.
इतना रैंडम भी नहीं करना. इवन दो हम रैंडम नंबर से चूज करते हैं, एटलीस्ट चेस पार्ट शुड हैव सम लॉजिक. आप इंडिया में कहाँ रहते हो? भाई मैं रहता हूं फरीदाबाद में, दिल्ली के बगल में, कैपिटल के बगल में. फिरूजा वर्सेस एमबीएल, हाँ एमबीएल एमवीएल एग्जैक्टली भाई, बहुत ही एपिक मैच होने वाला है भाई, फिरूजा वर्सेस एमवीएल, बहुत मजा आएगा. एंड आयरोनिकली इनफ फिरूजा इज हायर रेटेड देन एमवीएल राइट नाउ, व्हिच इज अ स्टेटमेंट आई नेवर थॉट आई वुड से दिस ईयर. निहाल फॉर कैंडिडेट विद इट लाइक, मैं क्या जॉब छोड़ दूं? अरे भाई बोथ कैन क्वालिफाई फॉर कैंडिडेट्स टेक्निकली. ओहो द गेम हैज स्टार्टेड गाइस, लेट्स प्ले. ये मेरी गेम है बाय द वे, नॉट द इवेंट. वो 5:30 बजे है. आई एम प्लेइंग किंग्स साइड रुक. ओके I'm talking about the controversy. Sorry if that wasn't clear. Which controversy, by the way? भाई ये कौन सी नई controversy है? Firuja's, हाँ, and by the way, Firuja is 0.1 rating behind Aronian. Like 0.1 right now. मैंने आज ही देखा. So once he even draws or like once he wins, he like Aronian का अगर draw हो गया, he will go down. And suddenly Firuja is number one. अरे हाँ, parent तो हटा दूँ भाई. मैं भी noob हूँ. इतना ज्यादा एग्जैक्टली भाई. तो फ्यूजा इज ऑन द कस्प ऑफ बिकमिंग वर्ल्ड नंबर 5 भाई, इतना पास है. अनीश गिरी को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है भाई, दैट ऑलरेडी मींस अ लॉट ऑफ स्टफ. अली इज अ गजब टैलेंट भाई, फॉर श्योर, फॉर श्योर. क्या खेले? कैन वी प्ले 94 और 93? वी कैन एंड वी शुड. पानी पीने भाई, पी रहे पी रहे. गाइस स्ट्रीम लाइक करते चलो, लेट्स गेट टू 200 लाइक्स, जल्दी से भाई, जल्दी से. आज बाय द वे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड भी है भाई, तो मतलब आई थिंक काफी कुछ होने वाला है आज चेस और शतरंज की जगत में. रुस्तम सेठ कारुआना इज इन नेचुरली टैलेंटेड एट द टॉप प्लेयर्स लाइक आनंद निहाल नेपोर. रियली आई हैड नो क्लू अबाउट दिस. डिड ही रियली से दैट? आई मीन इफ ही सेड दैट देयर माइट बी सम ट्रुथ टू इट, बट मे बी इट्स काइंड ऑफ हार्ड फीलिंग्स या कि मतलब दे हैड टू सेपरेट. ये भी हो सकता है, हार्ड टू से, चेक करना पड़ेगा. गाइज एनीबडी हु इज जॉइनिंग इन द गेम्स टुडे विल स्टार्ट अ बिट लेट एट 5:30, सो वी आर हैविंग अ टूर्नामेंट राइट नाउ टू गिव अ चेस का मेंबरशिप अवे. एंड एक चीज ध्यान रखना कि द विनर डज नॉट गेट इट, एनीबडी कैन गेट इट, एनीबडी हु स्कोर्स मोर देन लेट्स से 15 पॉइंट्स. सो ट्राई योर बेस्ट. दैट्स अ ब्लंडर. What shall we play? Let's play e5. I think that should be good. Attacking g6. Ah, Rustam said this, really? That's weird. Who's the New Zealand best New Zealand chess player? He's some IM 2465. He was Karuna's coach, by the way, Stefan. He isn't right now. Rustam bhai, Akshay Kumar ki movie ka naam hai, Aryan. To Akshay Kumar ki baat kar rahe hain. Akshay Kumar ne Karuna ke baare mein comment kiya tha kuch. Bhai, 5 ad aaye hain, paisa hi bhai. भाई हमें एक ऐड से पता है कितना पैसा मिलता होगा भाई, लिटरली मिलता होगा आई गेस लाइक एक पैसा भी नहीं मिलता होगा भाई, लिटरली इट्स दैट लेम. इवन एजी ट्वीटेड अबाउट दिस, रियली आई हैव नो क्लू अबाउट दिस, मेरे को कोई आइडिया ही नहीं है, देखना पड़ेगा भाई. बाय द वे गुड गेम बाय मी यार, नाइस भाई. हाउ डिड आई मिस एजी ट्वीट? देखना पड़ेगा भाई. आर देयर यस नो जीएम फ्रॉम न्यूजीलैंड बाय द वे? देयर इज वन जीएम, मोरे चैंडलर, बट he is retired. He used to play from some other country, I think from the UK earlier, and he has quit chess now. He just kind of lives there. Ek samosa par ad ghanta bhai, ghanta milta hai bhai. Kal se super chat kiya tha to bhai do logo ko hum samosa bech paaye. Ads to nahi bante bhai. Aap kaun se jagat mein rehte ho bhai? Hum reality mein rehte hain yaar, but ye controversy mein hum aise dhoondte nahi hai controversy, so sab kai baar miss ho jati hai bhai. साहिल मिसिंग एन एजी ट्वीट, प्रीटी सस भाई. ये बात तो आई हैव टू अग्री मैन, मुझे खुद पे शक हो रहा है भाई, क्या है मेरे इंटेंशंस, हाउ कैन आई मिस एन एजी ट्वीट. ओके आई ओके बिशप पर फ्री फालतू का मिल गया, बढ़िया भाई, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. अरे ये क्या डेस्परेशन है भाई, इतना डरते हैं बिशप पेयर से, नाइट टू h7 खेल दिया भाई. ओके लेट्स ट्राई समथिंग रैंडम एंड टेक दिस नाइट, और कैसलिंग प्रिवेंट करते हैं भाई, अब खुद कैसल कर लेते हैं भाई. हाँ भाई हमने कहा कैसलिंग प्रिवेंट, इस बंदे ने दूसरी तरफ कैसल कर लिया भाई. ये क्या बेशर्मी है, ये क्या बेशर्मी है, डोंट डू दिस इन नेम ऑफ चेस. ओके लेट्स प्ले नाइट टेक्स d5 फ्री पॉन, नाइट f4,
आई होप इट्स गुड. ओके लेट्स प्ले b4. ओपन किंग को नंगा करने का टाइम आ चुका है गाइस. नहाने को नहीं मान रहा है किंग तो उसको नंगा करेंगे भाई. लेट्स गो लेट्स गो. लेट्स टेक ऑन c6 आई थिंक एंड देन आफ्टर नाइट f4 वी कैन गिव c7 चेक. आई थिंक दैट मेक्स दैट इज अ विनिंग आइडिया सो वी शुड विन दिस गाइस नाउ. सो वी टेक आई गेस. अरे अनिशा थैंक यू सुपर चैट. यू मिस्ड एन एजी ट्वीट सीम्स लाइक अ फेक फैन. To be honest, thank you for super chat. Although I am doubting my own intentions now. Not kidding, really. Yaar. Anishka's tweet, how can I miss? I think I need to revise on my syllabus now. So, yeah. Definitely not on my peak form. Langa King OP. Bhai, mera bachpan ka coach bol raha tha, bhai. It's not, I'm not making this shit up. Like, mere bachpan ka coach jo tha, he used to say, ki yaar, matlab, ये एक किंग नंगा हो चुका है, इस किंग का ये हो चुका है. उस टाइम पे तो भाई हम बड़े चिल्लों के सुनते थे, हाँ हाँ सर नंगा हो चुका है. हमें क्या पता भाई. द मैच इज बिगिन एट 5:30 गाइस, 5:30 टुडे. जैसे मैंने पिन किया हुआ मैसेज, सो थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी आज आपको. व्हाट शैल वी डू नाउ. एक ना लगे हाथ एक ये कर देते हैं, मतलब किंग को बैक रैंक मेट नहीं करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और अब हम खेलते हैं, क्या खेलें भाई. गेम 5:30 पे इसलिए है गाइस बिकॉज ऑफ डेलाइट सेविंग. अब क्या होता है तो गूगल करें, इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस जो मैं एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूं. सो डेलाइट सेविंग की वजह से गेम विल स्टार्ट एट 5:30 टुडे. बेसिकली यूरोप वालों को धूप की बहुत चिंता है, वो धूप को बचाने के लिए उन्होंने सन से रिक्वेस्ट किया कि आप आधा घंटा लेट आए आज तो. और सन ने कहा ठीक है भाई आधा घंटा लेट आते हैं हम. भाई मीटिंग 1:30 है, ध्यान रखना भाई. ओके सो इज दिस मेट आई गेस. वेल प्लेड स्लीपिंग बीस्ट, सेल्फ मेट करा दिया उन्होंने. टुडे एनी इंडियंस मैच फ्यूचर, नॉट टुडे गाइस, बट इफ निहाल विंस टुडे देन ही मोस्ट प्रोबली कैन फेस फेस फ्यूचर टुमारो. सो लेट्स होप सो ही विंस टुडे. भाई मॉड बना दो ना. अरे मॉड बनाएंगे भाई, बिल्कुल बनाएंगे यार. बाय द वे टूर्नामेंट मैं लीड कर रहा हूँ इस टाइम पे. विद आई विन द प्लैटिनम मेंबरशिप. व्हेन वी रीड चेस बुक्स ऑन बेस्ट कलेक्शन ऑफ कैन यू अवॉइड द लॉन्ग वेरिएशंस. यू शुड नॉट अवॉइड देम अर्शद. आइडियली आई एम ऑनेस्टली मेंशनिंग दिस, इवन आई यूज्ड टू अवॉइड देम. आई हैव दिस बुक ऑफ एलेकाइंस बेस्ट गेम जो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट करी थी इन माय स्कूल इयर्स. एंड आई वाज लाइक, मतलब I used to just skip the long variations, but trust me, if you want to improve the most, try to go through the variation over the chessboard. Anton Smirnov is my classmate. Are you from Australia, Siddharth? Really? Nihal is in the top, I think, 7 or 8 guys right now, so he's doing pretty well. I mean, he's tied second. He's tied second. Tiebreaker, I don't know. He's tied second, basically. Carsten Muller is my nice one Stefan, nice one. Guys, do like the stream, let's get to 200 likes. And if you're here for the first time, do subscribe to the channel guys. Matches will start at 5:30 today. Tab tak ke liye hum ek tournament kar rahe hain. You do not have to win the tournament to win the membership. Aapko sirf 15 points se upar lane hain and you will get a chance. अधिवान का फॉर्म खराब है भी. हाँ यार फॉर्म तो खराब है भाई, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अधिवान की फॉर्म का. प्रखर अब क्लासमेट था क्या? नहीं यार मेरा स्कूलमेट था, ही वॉज 3 years माई जूनियर. मेरा स्कूलमेट है दो. आई लिव इन कैनबरा, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी. हाँ नाइस, बढ़िया यार. तो सीखो, सच सीखो भाई. कैन आई प्ले 97? आई गेस आई कैन. So, if he takes, we did not take. Do we take the knight? Maybe we do not need to take this. Let's play knight f6 back. With queen g5. Let's repeat once and see what he does. Of course, he will repeat. Of course. Let's go queen to g5. Oh no, knight to d6. Oh shit, folk. Arey yaar. Log phaste nahi aajkal yaar. Log smart ho gaye. Guys, अभी गेम स्टार्ट नहीं हुए हैं.
ऑब्वियसली आई एम नॉट प्लेइंग ग्रैंड स्विस, मेरा नाम दिख रहा होगा यहाँ पे. गेम्स विल स्टार्ट एट 5:30 टुडे. भाई चिंदी भी लगाने पड़ते हैं भाई कई बार लाइफ में. चिंदी इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ चेस लाइफ गाइस. वी हैव टू एक्सेप्ट द चिंदी इज ओके. चिंदी से डरना नहीं चाहिए गाइस, कभी लाइफ में चिंदी से ना डरे. रुकी 4, कैन आई प्ले दिस? लुक्स वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल बट आई गेस. सो ओके, कैन आई डू समथिंग? कुछ खुराफाती आइडिया तो आया मेरे दिमाग में, बट प्रॉब्ली इट्स नॉट करेक्ट. खेल देते यार, क्या हो जाएगा 1400 से हार जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा उससे, हो ही क्या जाएगा 1400 से हार गए तो 20 तक 30 40 50 100 पॉइंट चले जाएंगे यार, बढ़ा लेंगे वापस. यू लिव इन दिल्ली? आई लिव इन फरीदाबाद भाई, नेक्स्ट टू दिल्ली, उसके बिल्कुल बगल में. Why no games? Because of daylight saving guys, the games will start at 5:30 today. थोड़ा सा patience. मेरे को दिख गया आपके खेलोगे. अरे मयंक जी स्मार्ट है, 220 IQ. क्या पोजीशन है भाई? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4. ठीक है यार, ठीक है. ब्लैक इज बेटर आई गेस, नॉट श्योर वैसे. क्वीन टू e7, थोड़ा पैसिव बट सेफ. Rookie 5, F4, wow, Rachit is trolling me. Come on, Rachit. Don't do this in the name of chess. Don't troll your superiors. bro, what do you do for a living? Aap chess player ho kya sirf? Bhai, filhal ke liye sirf chess player hi hai, bhai. Why not B5? Because C6 was hanging with the bishop. That's why. Mujhe bishop trade karna knight ke liye. So, kya kar sakte hai? Let's go queen F4. एंड एक धमकी देते हैं 94 खेलने की ताकि वो एक्सचेंज कर दे. ये बिशप काफी स्ट्रांग है और किंग को भी डिफेंड कर रहा है. ओके, वेरी गुड मूव. B6 लुक्स स्कैरी मैन, लुक्स स्कैरी, स्कैरी मूव. निहाल ने सिल्वर लेक ऊपर में है तो बढ़िया बात है ना. ओ टाइम ही नहीं है भाई, टाइम ही नहीं है. क्रैप, आई हैव 18 सेकंड्स. व्हाट द भाई गाइस, फास्ट खेलना पड़ेगा भाई मुझे. टाइम की कभी हमारी लाइफ में एज यूजुअल. क्वीन वापस किंग की तरफ दौड़ती हुई, अपोनेंट की किंग की तरफ, कुछ दर्दनाक चेक देने के लिए. ओके, नाइट टू G5 गाइस, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है. एक पॉन मिल जाए, ये पॉन मुझको दे दे ठाकुर. ओ नो, F4, शिट. अरे यार बंदा फंसी नहीं रहा. कम ऑन, मारो 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 मारो. ओके, चेक चेक चेक. We can win this, guys. We can win this. Check. Your F6. Come on. Yes, we won. Good game, though. Good game. Hrishik, very good game. Chess 24 पे देख लो भाई standings. भाई standings मुझे पता है भाई. मैं कह रहा हूँ स्टैंडिंग्स देखने का भी कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज अभी सिर्फ 4 ही राउंड हुए भाई, अभी 7 राउंड पेंडिंग है. निहाल इज टाइड सेकंड, दैट्स ऑल वी नीड टू नो, दैट्स ऑल वी नीड टू नो. नहीं, F4 पे आई कुड हैव टेकन ऑन E3 गाइस, F4 पे E3 मर रहा था, सो दिस वाज ऑल फाइन. फ्लैगर ऑफ पे क्या भाई, पोजीशन से जीत रहे हैं भाई. यूट्यूब से अर्निंग नहीं होती, रोटी कैसे खाते हो भाई? हाथ से भाई, और कैसे खाएंगे रोटी. Who will Nihal? He is playing Petrosian, guys, from Armenia. 22609. So, I think ye kal humne game dekhi thi, same position kisi game mein. So, we can go C5 here. Guys, team like kar do bhai. Let's go to 300 likes as quickly as possible. Okay,
Who is the highest rated player you have played in OTB? I played a 2620 guy, a grandmaster from Armenia itself, actually. I forgot his name though. ये वही चीटर है, क्या बात कर रहे हो, चीटर है क्या बात कर रहे हो भाई? नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होगा यार, क्या बात कर रहे हो लक्ष्य भाई, डराओ मत यार. डोंट डू दिस इन नेम ऑफ चेस गाइस, डोंट स्केयर मी. नहीं नहीं 2600 गेम है भाई, क्या बात कर रहे हो. अरे भाई डरा डरा. अच्छा तुम पेट्रोजन की बात कर रहे हो. अरे नहीं बे, ये वो नहीं है बे, वो अलग था, वो अलग था भाई, वो आई थिंक अलग था भाई. भाई ये स्कैम का ट्रेडिशन हमें बंद करना है भाई, वी डोंट हैव टू कंटिन्यू दिस स्कैम ट्रेडिशन गाइस, कम ऑन, वी आर एडल्ट्स हियर, लेट्स नॉट कंटिन्यू डाउन दिस डार्क पाथ. हे अश्विनी हाउ आर यू? साहिल डर गए से लो भाई. कब तक डराओगे भाई, कब तक, कब तक भाई, कब तक चलेगा ये सब, कब तक? कैन वी गो डी फोर? आई थिंक वी कैन, इफ ही टेक्स वी विन अ पीस. मार दे भाई V9. हाँ आई थिंक वो कुछ और था, वो टिग्रान, वो कुछ और पेट्रोल, आई डोंट नो विच पेट्रोजन था, पता लगे किसी और पेट्रोजन को मैं चीटर बोल दूं, आई डोंट रिमेम्बर हिज फुल नेम, बट कुछ तो था. हाँ. ओके इफ ही टेक्स वी टेक, उसमें तो बैन लगा हुआ है भाई. आई एम किड, ओके वेरी इंपॉर्टेंट इन्फो, थैंक यू. आप एक शब्द के बाद आ क्यों बोलते भाई, ये कौन सा शब्द के बाद आ बोल दिया मैंने? कैन वी टेक हियर फर्स्ट एंड देन टेक हियर एंड देन प्ले क्वीन B6, थ्रेटनिंग क्वीन E3 एंड क्वीन B4, सो क्वीन C3 ओनली मूव आई थिंक. आर यू मैरिड? यस आई एम मैरिड टू चेस गाइस, मेरी दुल्हन तो शतरंज है. अश्विनी अभी गेम स्टार्ट ही नहीं हुई, डू यू थिंक दिस इज सम टॉप ग्रैंडमास्टर्स प्लेइंग रियली? थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बट दिस इज माय गेम अगेंस्ट सम 1000 रेटेड प्लेयर. 1000 ओके सो लेट्स गो टू द, वेयर शैल वी गो बाय द वे, नॉट सो क्लियर. नाइट टू H5 आई गेस. Predictions for Tata Steel India Rapid and Blitz lineup. By lineup में क्या prediction करें बे? Prediction तो करेंगे results में. And then we'll get our predictions wrong again once more. I think ये channel से गलत predictions ही चल रहा है भाई. 50% audience इस channel की भाई गलत predictions से आई है. Let's go E4, sacrifice a pawn. चालू होगा 5:30 चालू होगा भाई. 5:30 the games will begin. तब तक के लिए एक टूर्नामेंट कर रहे हैं भाई, एक बंदे को तो मेंबरशिप देके रहेंगे हम आज, क्योंकि आज आखिरी दिन है भाई, वेस्ट चली जाएगी वरना. फरीदा में कोई हॉन्टेड हवेली है? हाँ है यार, मतलब एक उसका नाम है मेरे सपनों, मेरे सपनों की हवेली. कोई भी पूरे नहीं हुए भाई, क्या क्या सपने देखे थे भाई. वीडियो गेम ड्रॉ, अरे रुपीज शाबाश, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन भाई, इसी का मैं तब से मरते दम से इंतजार कर रहा था. एनी प्लान फॉर आई एम टाइटल? यस सिद्धार्थ, प्लान तो बहुत है भाई, पर जैसे मैंने बोला प्लान हमेशा पूरे नहीं होते, सपने तो सपने ही होते हैं. लेट्स टेक ऑन D5. अरे नाइट F5, ये बट ओके, इज द बेस्ट मूव, मे बी नॉट, इट इज. क्रेमलिन वर्सेस टोपोलोव कॉन्ट्रोवर्सी कुछ जानते हो क्या भाई? भाई जानता हूँ मैं उसके बारे में. अपेरेंटली कुछ टॉयलेट कंट्रोवर्सी थी भाई, कि टॉयलेट में चीटिंग कर रहा था वो बंदा, ऐसा टोपोलोव ने कहा था. बट ऑफ कोर्स इट्स वेरी अनलाइकली, आई मीन चीटिंग करनी होती तो यार एक क्रामनिक जैसा बंदा काहे को चीटिंग करेगा भाई. वोल्टेज गैम्बिट कहाँ है यार, कौन सी वोल्टेज गैम्बिट भाई? टॉयलेट गेट. Bro, surely will be a GM one day. Thank you, Vivek bhai. Thank you. हम खेल रहे Terminator 1997 के साथ. भाई ये शॉर्ट्सनेगर साहब कहां से आ गए खेलने के लिए हमारे साथ? नहा लिए भाई, उससे क्या फर्क पड़ता है? I don't know why that's important. बनाओ भाई, बनाओ भाई, खाओ. आज मैंने ही मैकडी से मंगाया था यार. I ordered पनीर,
मैक 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 पनीर समथिंग क्या है भाई, मैक स्पाइसी पनीर भाई बहुत टेस्टी होता है बगैर, आई डिड नॉट नो दैट। साहिल भाई डबल बिशप और किंग से कैसे मेट करते हैं भाई? ओपोनेंट की किंग को सफोकेट कर करके जब तक वो बंदा खुद ही हार मान ले। भाई मैं हार गया, कोई बात नहीं भाई, V9 जी होता है यार। मैक पनीर टिक्कू, अरे वाह यार, आई थिंक आई शुड ओपन अ ब्रांड यार, मतलब कुछ तो मैं कर सकता हूँ भाई विद द सरनेम मैक टिक्कू, द पॉसिबिलिटीज आर इनफाइनाइट। ओहो अनीश नायक जी वेलकम वेलकम गाइस, अनीश नायक जी हमारे बहुत ही एपिक, मतलब अगर आपको अनीश गिरी पसंद है तो अनीश नायक तो मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, बट यू शुड स्टिल फॉलो हिज चैनल अनीश नायक, गूगल करें यूट्यूब पे सर्च करें। चिकन होते हुए भी पनीर, आई नो बट इट्स लाइक मतलब मेरी मॉम नॉनवेज नहीं खाती, सो इट्स लाइक थोड़ा सा वो जाता है फिर घर पे कि यार नॉनवेज मंगा रहे हो, छोड़ो ना यार छोड़ो ना यार, तो हम लाइक ठीक है यार, क्या कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है अनफॉर्चुनेटली। अनीश इन चैट, पहली बार इट्स करेक्ट, इट इज करेक्ट गाइस, यू आर करेक्ट दिस टाइम। चिकन टिक्कू मसाला, अरे वाह यार दैट साउंड्स गुड, दैट एक्चुअली साउंड्स गुड। सस्ता अनीश इन चैट ब्रो, थैंक यू द स्ट्रीम्स, मेक्स अ लाइफ अ बिट इजियर, नॉट फीलिंग वेल नाउ डेज, प्लीज डोंट स्टॉप। साई किरण आपने ऐसा बोल दिया है, अब तो हम बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे भाई। आई थिंक आई एम नॉट समय लेना, आई एम नॉट दैट फनी, एटलीस्ट वो तो बंदा प्रोफेशनल कॉमेडियन है, बट एक बंदे के चेहरे पे स्माइल आ जाए तो भाई दिन बन जाए भाई। मैचेस क्या हुआ, मैचेस हमने जला दिए सारे यार, सारे के सारे जला दिए। सोया चाप इज द बेस्ट रिप्लेसमेंट भाई, अभी तो आजकल तो आई थिंक मीट के लिए रिप्लेसमेंट आ रही है भाई, प्लांट बेस्ड मीट आने वाला है बहुत जल्दी, सो तैयार रहे भाई। सर यू आर अंडर रेटेड, अगर आप मेरे चेस स्किल्स की बात कर रहे हो तो आई हाईली डाउटेड, यूट्यूब स्किल्स का मुझे पता नहीं भाई। कर लो क्वीन ट्रेड, अरे क्वीन ट्रेड ही नहीं कर रहा बंदा यार, एक वीडियो जस्ट मैंने इस पे ऑलरेडी है भाई चैनल पे, यू कैन चेक इट आउट भाई वीडियो। टुडे इज नॉट स्ट्रीम मैचेस अंकिता, द मैचेस हैव नॉट स्टार्टेड येट, दे विल स्टार्ट एट 5:30, दैट्स व्हाई दे विल स्ट्रीम एट 5:30 आई थिंक, अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ एक्चुअली, डे लाइट सेविंग की वजह से द गेम्स स्टार्ट 5:30 टुडे, द मैसेज इज प्रिंट इन द चैट। अरे टूर्नामेंट खेल रहे हो, पेलना था आपको बट बिजी हूं अब, अरे भाई अनीश जी बाय द वे 3 दिन पहले हमारी चैट में अनीश गिरी आए थे, अब अनीश नायक आए हैं, सो आई एम जस्ट कंफ्यूज कि व्हेन शुड आई बी मोर हैप्पी। गाइस टीम लाइक करते चलो भाई, लेट्स गेट टू 300 लाइक्स, अगर अगले 1 मिनट में 300 लाइक हो गए तो भाई एक बंदे को मैं प्लैटिना मेंबरशिप दूंगा आज भाई, एक बंदे को प्लैटिना मेंबरशिप चल कॉम की, अगर अगले मिनट में 300 लाइक हो गए तो भाई लेट्स गो। फ्रॉम ग्रिड टू नायक वी हैव कम अ लॉन्ग वे, नाइस। हाउ मेनी आवर्स डू यू स्लीप, आई थिंक 7 आवर्स आई थिंक रफली। ये क्या थ्रेट है, कोई थ्रेट नहीं है, लेट्स गो। गिरी आए थे, वाओ यस ही केम भाई, वही तो दिलकुश कबाब, नहीं यार ये नहीं खाया मैंने यार, सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं दिल खुश हो जाएगा खाके, डेफिनेटली विल ट्राई। इसको धक्का लगाए, एक और पॉन को एक और धक्का लगा रहे हैं इसको। मेरा नाम एक बंदा है, मुझे दे दो भाई, मुझे क्या होता है यार, मेरा एक दोस्त था योगेश गौतम करके, वो भी मुझे बोलता था भाई, मुझे लाइक मुझे होता है, मुझे होता है या मैं ही गलत जानता हूं सब। ओके लेट्स डिफेंड दिस पॉन भाई, अपने प्यादे का प्यार, कैन वी जस्ट पुश दिस नाउ, धक्का लगा सकते हैं इसको, लगा सकते हैं मुझे होता है ना, वही तो मैं कहूं भाई, वही तो मैं कहूं, लेट्स गो क्वीन टू B4, लेट इन क्वीन B1। चिकन के अंदर, अरे भाई यार मैंने अभी खाया, आज भी नहीं पता, मैं फिर ना ऑर्डर कर दूं और चैट भी पागल हो जाएगी वरना। ओके भाई अब होगा जादू, हम क्वीन सैक्रिफाइस गाइस, ब्यूटिफुल क्वीन सैक्रिफाइस, द मोस्ट ऑब्वियस वन इन द वर्ल्ड बट स्टिल अ क्वीन सैक्रिफाइस। Came late, will you have more tournament? Sure, not today. Anna Muse chuka.
अच्छा तो अन्ना मुदीचक मतलब देसी है, मुझे पता नहीं था यार। टिक्कू इमोर्टल। अरे मोदी जी थैंक यू, प्रणाम मोदी जी प्रणाम, अच्छे दिन आ गए मोदी जी, अच्छे दिन आ गए भाई। लेट्स टेक ओके लेट्स गो A6। हेलो मुझे भाव दो। अच्छा भाव भी चाहिए लोगों को मतलब। व्हाट इज दिस अ मूव रियली? 20 स्टार्स तो क्या हुआ? अरे हाँ यार भाई 20 स्टार्स कहाँ है यार? आई बिकॉज आई थिंक ही इज जस्ट बिजी विद दैट टूर्नामेंट यार, जो सर्व वॉर्स आने वाला है। बाय द वे सर्व वॉर्स होने वाले हैं 6 नवंबर से गाइस, वैलो चेस एंड JKLM, बहुत एपिक गेम्स होने वाली है। आई हाईली सजेस्ट आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें, हमारे टीम में तीन तीन प्लेयर चाहिए हमें तीनों गेम्स के लिए। इफ यू आर गुड एट वैलो चेस और JKLM डिस्कॉर्ड जरूर ज्वाइन करें। टिकू प्रोफेशनल स्ट्रीमर बन गया है, अब चैट पढ़ पढ़ के पेल रहा ओपोनेंट को। अरे अनिल जी थैंक यू भाई, थैंक यू, ऐसे कॉम्प्लीमेंट के लिए जीते हैं भाई हम, ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट के लिए भाई। आई वुड प्रेफर कि वो अनिश गिरी बोलता, बट हम नायक से भी काम चलाएंगे भाई बिल्कुल। सर्वर वॉर्स में बिजी है प्रशांत, हाँ हो सकता है, वही मुझे लगा यार, बिकॉज इट्स अ ह्यूज प्राइस फंड सो काफी मैनेज करना होगा यार उनको। एक बार बात करना, हाँ मैं मैसेज कर दूंगा यार, आई विल मैसेज हिम। नॉट अ बिग फैन सर, डोंट गिव शाउट आउट। अरे भाई किसी ने बोला है अपने दोस्तों को पास रखे, अपने दुश्मनों को और पास, तो शाउट टू यू सर्कियो, यू आर गोइंग टू लूज दिस मैच फॉर श्योर। भाई इतनी गारंटी से कोई कैसे बोल सकता है भाई, कुछ हैंकी पैंकी तो नहीं है भाई। मेरा ओपोनेंट कुछ काफी इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम यूज कर रहा है भाई, थोड़ा थोड़ा सा ना मतलब मे बी इट्स माई सस्पिशन बट लवी को प्रपोज करो कभी भाई लवी। अरे नहीं नहीं मेरा ओपोनेंट कुछ नहीं कर रहा भाई, मेरा ओपोनेंट नूब है। मेरा ओपोनेंट नूब है भाई। माय बैड। हे जेसिसिस्ट फर्स्ट टाइम सीइंग अ चैनल लविंग द कंटेंट, थैंक यू निखिल लखवानी जी। हमारे आपके एक सेम सरनेम वाले कपिल लखवानी जी भी थे, वो हमेशा गुस्से में थे हमारे चैनल पे, तो हैप्पी टू सी अ लखवानी, हैप्पी ऑन अ चैनल। और ये फ्री की रानी मारेंगे हम, फ्री का बिशप नहीं है बट तब भी मारेंगे हम। बाय द वे ही हैज नाइट टू F6 बट वी हैव बट वी लूज द क्वीन। ओ मार दिया भाई, क्लेवर क्लेवर। हाँ साहिल लुक्स लाइक ही विल टीच सरीन विद हिज कमेंट्री। ओ गाइस गाइस ऑफ कोर्स आई विल टीच सरीन यार, मतलब ऑफ कोर्स। ओह ही इज एंड बाय द वे गाइस, बाय द वे आई एम लीडिंग द टूर्नामेंट। लोल्स माहिस डे डेज इन द चैट, वाओ। मुझे चेस समझ नहीं आता, पता नहीं क्या कर रहा हूं यार। अरविंद जी मुझे भी चेस समझ नहीं आता भाई, ये जो मैं घुमा रहा हूं ये तुक्के से ही घुमा रहा हूं भाई, मुझे भी नहीं आता भाई अनफॉर्चुनेटली। ओबामा मेडलिंग हिमसेल्फ वाला मीम, बिल्कुल भाई बिल्कुल। ये लो भाई मैंने अभी प्रीमूव कर दिया था 92, बहुत चंट हो भाई टैक्टिकल बीस्ट। गाइस स्ट्रीम लाइक करते चले, लेट्स गेट टू 300 लाइक्स, एंड इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम आपके सामने एक लाल बटन है उसको पुचक करके दबा दे, हमारी फैमिली में फैमिली में शामिल हो जाए। गेम स्टार्ट होगी गाइस इन अराउंड 20 मिनट्स फ्रॉम नाउ। पिज्जा पार्टी कब होगी यार? यार मेरा बहुत मन है पिज्जा पार्टी करने का, द ओनली इशू इज कि मैं थोड़ा डाइट पे हूँ भाई। तो मैं ऑर्डर करूंगा तो मेरा डाइट बिगड़ जाएगा। स्ट्रीम में HD कॉपी का जब मेरे पास पैसे होंगे भाई अच्छा कैमरा खरीदने के लिए। तनिश भाई ग्रैंड सेशन स्टार्ट 5:30 टुडे गाइस, मैसेजेस पिन इन द चैट, 5:30 स्टार्ट होंगे गेम्स। सब्सक्राइब ही कर लेना मेरे चैनल को, थैंक यू भाई, थैंक यू शौनक जी। डाइट में MC पनीर बर्गर भाई, वो तो वो तो गिल्टी प्लेजर था भाई। भाई मुझे लगी रात, मैंने बोलते ही रियलाइज किया मैंने क्या बोल दिया, बट एज यूजुअल देयर वाज अ अनीश, शी वाज टू स्मार्ट। अरे पुचुक आवाज के साथ ही दबाना है भाई, आवाज तो दिल से आएगी यार, आवाज तो दिल से आएगी भाई।
साहिल टोल डायट बट मनी इज प्रॉब्लम टू। भाई मनी इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम, व्हेन इज मनी नॉट अ प्रॉब्लम? कौन सा इंसान है इंडिया में जिसने कभी बोला हो भाई यार पैसे की प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में? अंबानी भी कभी कभी घर बैठता होगा, उसका बेटा कहता होगा पापा पापा मुझे ना एक बोर्ड खरीदनी पापा, वो कहता होगा बेटा इस महीने थोड़े पैसे शैसे नहीं है बेटा, थोड़ा सा ना थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर लो इस महीने बेटा। दर्श देयर इज अ ओपन टूर्नामेंट इन कोलकाता, इफ दैट हैपेंस देन आई विल गो। मेरे घर समोसा ऑर्डर करो, करेंगे भाई अभी करते हैं, तुम टूर्नामेंट जीते तो भाई। ओ नो आई डिड नॉट कम फर्स्ट, व्हाट द एफ, आई केम फोर्थ भाई। लास्ट मोमेंट लोग आगे निकल गए भाई, लास्ट मोमेंट लोग आगे निकल गए। सो चेस्टी हैज वन, अहान सेकेंड, आरव थर्ड, आई एम फोर्थ, जशवनील, रचित, ट्रिगर, गेमर, शुभम, क्रैटो, स्मिथ, शाजी, मिनाला, टाइम ट्रैवलर, साहिल, मैग्नूस, दिव्यांशु, इंडिया, वैभव, नूब, एडवांस गेमर, आनंद, टर्मिनेटर, अंकुर, जयेश, रोश, ध्यामी, शौर्य, मीत, निख्या, आयुष, चोपड़ा, यतिन, नूब, लक्ष्य, शाश्वत, नील, किंग इन मिजरी, जस, प्रज्वल एंड आयुष्मान एंड सिद्धेश। चलो टॉप 30 गाइस, अब बारी है गाइस। कितने पॉइंट्स के ऊपर करें भाई, कितने पॉइंट्स के ऊपर रखें? एज यू कैन सी कि 144 प्लेयर्स हैं, कितने पॉइंट्स के ऊपर रखें भाई लकी नंबर जनरेटर? तब तक मैं खोलता हूं भाई उसको, लकी नंबर जनरेटर की बारी। रैंडम नंबर एक्चुअली, नॉट लकी। 25, शाबाश बेटे शाबाश। ओके 9, 1, 5, 7, 1 तो नहीं होगा भाई फॉर श्योर। ये रहा भाई हमारा रैंडम नंबर जनरेटर, आई गेस यू कैन सी इट नाउ। लेट मी क्लोज द चैट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स। सो वी हैव टू चूज अ स्कोर गाइस। आई थिंक हम टॉप 30 का चूज नहीं करेंगे गाइस, वील चूज बेस्ड ऑन अ स्कोर। लेट मी सी हाउ मेनी पीपल आर अबव द स्कोर ऑफ 15 फर्स्ट। सो गाइस व्हाट्स इट, 10 पॉइंट एंड अबव, व्हाट्स इट 10 पॉइंट एंड अबव, 10 पॉइंट एंड उसके ऊपर जिसके हैं उसको इंक्लूड कर लेते हैं, क्या बोलते हो गाइस, क्या बोलते हो? दैट वुड बेसिकली मीन टॉप 21 पीपल। दिव्यांशु, आई वाज विनिंग द लास्ट, इवन आई वाज विनिंग द लास्ट गेम, अगर मैं गेम जीतता आई वुड बी फर्स्ट। नो 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 भाई, चलो पोल करते हैं भाई, इट्स टाइम फॉर पोल, वी हैव टू मेक इट फेयर फॉर मेंबरशिप लॉटरी। सो ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 10, लेट्स गो, तीन ही ऑप्शन है भाई। Guys, team like कर दो, let's get to 300 likes. And if you're here for the first time, do subscribe to the channel, guys. Become part of our family. हम एक poll करने वाले हैं जल्दी से. By the way, the game start in just 15 minutes, guys. 15 minutes में tournament start होने वाला है. It will start very soon. So 10 point वाले lead कर रहे हैं, guys. 10 point वाले lead कर रहे हैं. I will stop at 150 votes or maybe 200. लक्ष्य किसी को धमकी ना दे भाई, आपकी रशियन आपको अनमॉड करने से नहीं बचाएगी। 5 भी चलेगा भाई, आपको पोल करना है, बस पोल करना है। ओके गाइस, इट इज ग्रेटर देन 10 इंडीड, ग्रेटर देन 10 भाई, ग्रेटर देन 10, लेट्स गो। So, let's go guys, we have 10 and over, we have 21 players. So, हमें इसमें set करना पड़ेगा 21. Let me keep it at, कहाँ गया भाई? हाँ, ये रहा. So, 1 to 21. Guys, guess करो भाई, किसका नंबर आएगा भाई, किसका नंबर आएगा? किसका नंबर आएगा भाई, guess करो. Come on. People with 7 wins should get a membership. Rekha ji, that's very convenient. When you win 7 points.
गाइस मोदी जी भी फाइट कर रहे हैं हमारी मेंबरशिप के लिए, तो बहुत अच्छी अच्छा लग रहा है मुझे। साहिल गिव फ्यू लैक्स, मुझे कुछ लाख दे रहे हो क्या, दे दो भाई, एक्सेप्टेड। ओके 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 ओके, लेट्स गो गाइस। सो ड्रम रोल, द गाय हु गेट्स द मेंबरशिप इज डम, लेट्स सी, फाइव, हु इज फाइव, हु इज फाइव, हु इज फाइव, हु इज फाइव, Jaswaneel, are you there in the chat? If you are there, you have to message me on chess.com in the next 5 minutes. Jaldi se message karo ki aap wahan pe ho aur mujhe message kar do on chess.com. Siddharth ji, ho jayenge subscriber bhai. Aap dekhte raho, subscriber badhte rahenge bhai. Jaldi se, you have 5 minutes, Jaswaneel. You have 5 minutes to message. Oh, by the way, ruko. He is 4th. Sorry. He is not 4th. Oh my God, he's not fourth. ये क्या हो गया भाई? रुको. भाई चार पे दो लोग हैं, चार पे मैं हूँ, जैसे फिफ्थ पे रचित है। Oh my God, रचित is fifth भाई, रचित is fifth. सागर शाह कह रहा है, सलक्ष्य ने सही बोला। भाई my bad. I'll show you the standings, guys. I'll show you the standings ताकि लोग confusion ना हो। So guys, I was fourth, तो मुझे लगा उसका अगला बंदा होगा, but we both are tied fourth. And clearly chess.com ने Night Monster को बोला है, does he already have membership? Let's have a look if he already has membership. He doesn't have a membership. Rachit जी एक hiatus के बाद आए हैं after a long while and आते ही membership जीत चुके हैं भाई। Rachit जैसी जी जैसी किस्मत हर किसी की हो भाई। दोनों को दे दो भाई, इतने हमारे पास होते तो मेंबरशिप तो हम दे देते भाई, दोनों को, हम चारों को देते भाई, हम पूरे 69 लोगों को देते भाई। वाओ, 2105 गेट्स डायमंड मेंबरशिप। डायमंड नहीं है भाई, प्लैटिनम है। नॉट फेयर क्या भाई, नॉट फेयर, नाटक देखो भाई चैट के। पीपल हु विन शुड गेट भाई, पीपल हु वन एक्चुअली गॉट इट राइट, ही इज फिफ्थ। वोट बदल दिए, यूएस इलेक्शन में भी ऐसा ही होता है, इंडिया इलेक्शन में भी। Rachit does not have one. Not physical jealous. Why? बिल्कुल सही बोला भाई. So Rachit जी, आप मुझे मैसेज कर लो भाई जल्दी से. You have 2 minutes. ये लो भाई. Random message कर रहे हैं. Membership दे दो. Technically tied fourth is fifth. Yes, but technically then I could be fifth. खुद को दे दूँ. जस्टिस फॉर चेस डी भाई, वो तो है यार, वो तो जस्टिस तो होगी आपको, हमारा पैटर्न एक ही रहता है हमेशा। एंड मजा दिला देते हो, बहुत थैंक्स फॉर द एंटरटेनमेंट, थैंक यू उत्कर्ष जी, थैंक्स लॉट फॉर द काइंड वर्ड्स। सो रचित जी, यू हैव टू मैसेज मी क्विकली, जल्दी करो भाई, इंतहा हो गई इंतजार की। हाँ, ही हैज मैसेज मी गाइस, रचित हैज मैसेज मी, तो ही विल गेट द प्लैटिनम मेंबरशिप। कांग्रेस रचित भाई, आप ही जीतोगे भाई। इसी चीज के साथ हमारा टूर्नामेंट होता है खत्म। अब हम जाएंगे सीधा सीधा ओलंपियाड की तरफ गाइस। सो ओलंपियाड की पेयरिंग्स देखेंगे भाई, उससे पहले इसको रैंडम नंबर वाले को बंद करते हैं, इस तूफानी चीज को बंद कर देते हैं गाइस। सो वी गो टू द गेम ऑफ निहाल की गेम खोल के रखते हैं भाई सबसे पहले। ओलंपियाड नहीं भाई, ग्रैंड स्विस, सॉरी माय बैड, ओलंपियाड की गेम्स, समझ जाओ, भावनाओं को समझो भाई, भावनाओं को समझो, भावनाओं को। So guys, stream to like कर दो। By the way, I'll show you the pairings very quickly, guys. Pairings देखने का मौका आ चुका है। Let me show you the pairings very quickly. वाह बेटे, ओलंपियाड भाई, ओलंपियाड भी करवा देंगे यार, तुम बस चेस खेलने वाले बलो, ओलंपियाड भी करवा देंगे भाई तुम्हारे लिए, फिकर नॉट गाइस, दीज आर द पेयरिंग्स फॉर टुडे। आई होप इट्स विजिबल टू एवरीबडी। अश्लील है ये लौंडा, कौन है ये? वेल, वी गिव आउट वन ऑफ ईच काइंड, डायमंड, प्लैटिनम एंड गोल्ड।
whom are Firuzja and Favi playing? So, I'll let you know, of course. I'll let you know. Round 5 pe jaate hain. So, Firuzja is playing Maxim Vacher-Legrave, as you can see. And Caruana is playing David Howell. So, I think David Howell has a tough fight today. Baki Indian players ki pairings ye hai, guys. अगर निहाल जीत तो मैं भी कल अलीरेजा के अगेंस्ट निहाल विल निहाल हैविंग वाइट तन्मय एग्जैक्टली तो अच्छा हुआ आज नहीं पड़ा आज अगर निहाल जीत जाए तो कल वाइट से पड़ेगा और मजा आएगा उसमें ज्यादा मजा है भाई आई थिंक निहाल विल पुश टुडे या आई थिंक सो टू स्पेशली कल के बाद ऑल्दो कल जब ड्रॉ हो गया ना अगर नाइट एफ थ्री का आइडिया एक्चुअली वॉज विनिंग फॉर वाइट सो ही माइट बी इमोशनली पिस्ड And that can sometimes hurt you. So I hope he can control his emotions, yeah? life is unfair. Indeed, life is always unfair, guys. Life is always unfair. Samay Raina sachai bakra tha, bhai. Jab wo kehta hai ki life is unfair, he's not lying to you, guys. Life is indeed unfair. No, it's not the same Petrosian, guys. Not the same Petrosian. कराची ओपन ये कौन सा ओपन है भाई व्हाट इज कराची ओपन आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस कराची ओपन क्या है भाई वियर्ड पाकिस्तान में टूर्नामेंट होते हैं आई हैड नो क्लू अबाउट दिस तब तक के लिए नाइट मॉन्स्टर को मेंबरशिप देते हैं भाई नो एंड नेक्स्ट एंड सबमिट वो काम हो गया ओके सो कहां हम पाकिस्तान में चेस बोर्ड्स नहीं होते अरे भाई चेस बोर्ड्स होते हैं यार वाकुम का आईएमबी है हैव यू मैच समय इन पर्सन आई हैवंट यार अनफॉर्चूनेटली नॉट येट स्टॉकफिश 14 आपको अच्छा लगता है क्या भाई बिल्कुल मेरा प्यारा है भाई वो स्टॉकफिश 14 विक्स की स्पॉन्सरशिप आएगी भाई वो तो बहुत सख्त जरूरत है भाई विक्स की स्पॉन्सरशिप की क्या आप स्ट्रीमिंग करते हुए गले को थकाते हैं खाइए विक्स गले को ठीक रखता हुआ सिंस 2020 इट इज पॉसिबल बिकॉज कुरेश की ना इज प्लेइंग इन द मेन सेक्शन गाइस शी इज प्लेइंग इन द मेन सेक्शन एंड शी इज ट्राइंग टू हैव अ टफर फाइट या बिकॉज वुमेन्स में तो वैसे जीत जाएगी सो इसलिए मैच पड़ सकता है विक्स ऑफ वाई कैरी मेटी को स्ट्रीम पे बुलाओ बिल्कुल भाई बिल्कुल एनएम ओन सैलरी मिलती है क्या ये लो भाई एनएम ओन से सैलरी मिलती है मुझे पता ही नहीं है भाई गाइस देखो लेट मी मेक दिस क्लियर रैंकिंग मैं आपको एक बार दिखा देता हूं एक मन की संतुष्टि के लिए ठीक है लेकिन इन जनरल रैंकिंग्स मीन स्क्वाट हियर बिकॉज चार राउंड हुए हैं बट मैं दिखा दूंगा आपको क्योंकि बहुत वो है मन लोगों का देखने का ये है रैंकिंग्स गाइस आई होप यू कैन सी ये है रैंकिंग्स गाइस ये है रैंकिंग्स निहाल इज सिक्स राइट नाउ इंक्लूडिंग टाई ब्रेक्स ऑल्दो डिफरेंस बहुत कम है बिकॉज टाई ब्रेक्स में सिर्फ 0.5 का डिफरेंस है दैट कैन चेंज एट एनी मोमेंट दैट्स व्हाई आई सेड कि अभी रैंकिंग्स देखने का मतलब नहीं है बिकॉज ये टाई ब्रेक चेंज होता रहेगा पॉइंट्स चेंज होते रहेंगे सो दैट मीन्स फिरुजा इज फर्स्ट सो फार अगर अभी की अभी टूर्नामेंट खत्म हो जाता तो फिरुजा एंड यू यांगी वुड क्वालिफाई लेकिन दैट्स ऑफ कोर्स नॉट हैपनिंग दिव्या डब्ल्यूजीएम है यस यस इज डब्ल्यूजीएम मॉड्स की सैलरी बढ़ाओ भाई मेरी सैलरी तो पहले आ जाए उसके बाद बढ़ाऊंगा तुम्हारी Arush is like mods get salary. yes, they get in kind. Unko roz every once week I sit them down ki tareef karta hu. Tum kitne badhiya mod ho bhai. Bahut badhiya mod ho. at what time is it starting? It starts at 5:30, 5 minutes from now. Top 2 will qualify for candidates guys. Candidates ke liye qualify karenge. We get salary in Bitcoin, bhai.
आई हैव नेवर ओन्ड अ सिंगल बिटकॉइन इन माय एंटायर लाइफ. सो मॉर्ट की सैलरी दे रहा हूँ अपेरेंटली बिटकॉइन से, मुझे पता भी नहीं है. अरे बढ़िया राहुल जी, नाइस. फिरूषा कौन है भाई? हु इज फिरूषा? साउंड्स लाइक सम हॉट चिक प्लेइंग चेस. फिरूषा, आई डोंट नो हु शी इज, बट साउंड्स हॉट. निहाल इज द फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन. जय ट्रूली भाई, ट्रूली. Bro, are you still banned from Summer's Discord because you lost in sub battle against Sagar Shah? Bhai, no, I'm not banned. Bhai, haan, bilkul, bilkul, Arush ji, maine jo, jo rage, whatever it was, uske jo NFTs aaye the, wo maine Mords ko salary mein diye the, CSL ke. Nihal's on fire, indeed, indeed. You are future world champion. Thank you, guys. अपने हर किसी को देखने चाहिए. I highly agree with you. La battle de France. अच्छा जी, आपकी membership ने add कर दी है, कर देंगे वो लोग add soon. Tiku is rich. Bro, do you have any other work apart from YouTube, chess वगैरह वगैरह? Ayushman, not right now. Rage fan, yes. ये court में डालो, नहीं भाई. नमस्कार. What is TB1? By TB1 is tie break 1, guys. Tie break 1, tie break 2, tie break 3. And TB1 is the score of all their opponents added, I guess. Say, Nihal, don't draw today. Nihal, don't draw today. Did you stop streaming on Twitch? Bore ho gaya Twitch pe yaar. Twitch is boring, guys. Which is boring because wahan pe you cannot grow your channel. You can only try to monetize what you already have. Monetize karna hai to main YouTube pe hi kar lunga, bhai. इग्नोर नहीं किया चेस जी भाई, आज 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 के स्टार आप भाई, टूर्नामेंट जीते हो आप. पजामा गिफ्ट करा. भाई ऐसे गिफ्ट में नहीं देता भाई. आई नो यू डोंट टू डीमोटिवेट जूनियर्स बाय विनिंग, दैट्स व्हाई यू आर नॉट प्लेइंग. कितन जी आपने दिल की बात पकड़ ली यार, मतलब डोंट टेल दिस टू एनीवन प्लीज. फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट वॉन्ट कि उनको लगे कि मैं कोई एहसान कर रहा हूं उनके ऊपर, और दूसरी रीजन कोई मानेगा भी नहीं आपकी बात. अगली ना किसी कोई प्राइस नहीं है भाई, घंटा प्राइस खा गए भाई वो पैसे, भूल जाओ उसके बारे में. इंडिया वर्सेस एनसेट भाई, इंडिया भाई, इसमें क्या प्रेडिक्शन. अंकुर जी, मैंने हराया था समय की सब बैटल में, हराया था एक उनको भाई, लेकिन टाइम आउट थे. आप फिथ 18 लोगे? नॉट रियली यार, मेरे पास ऑलरेडी इंजन है. सो जिसके पास कोई इंजन नहीं है ही कैन बाय फिथ 18, बट अदरवाइज किसी को नया इंजन खरीदना है, आई मीन इट डजंट मेक सेंस. मतलब मैं कौन सा कोई वर्ल्ड चैंपियन हूँ भाई यार, जो जिसको अप टू डेट इंजन चाहिए बेस्ट वाले. सो फॉर मी इट डज नॉट मेक सेंस. स्ट्रीम करो क्रिकेट, बिल्कुल भाई. उसके बाद BCCI के लिए एक अच्छी सी नोटिफिकेशन आएगी कि आपका चैनल बैन कर दिया गया है और आप पे 50,000 करोड़ का लॉसूट कर दिया गया है. लीला यूज करते हो? नहीं यार. फ्रिट्स इज गुड मैन, फ्रिट्स इज गुड. इनफैक्ट दैट वॉज माई फर्स्ट इंजन दैट आई एवर यूज. आई थिंक फ्रिट्स 6 और फ्रिट्स 8, आई एम नॉट श्योर विच वॉज माई फर्स्ट वन. मेरे पास अब तक डीवीडी है. डीवीडी क्या, सीडी है, डीप फ्रिट्स 8 की. अब तक डीप फ्रिट्स 8 की सीडी है समवेयर इन माई हाउस, ढूंढनी पड़ेगी. So that was my first ever engine, but I think in general Stockfish is usually better than Fritz, but I don't know about Fritz 18, mujhe iske bare mein pata nahi actually. Guys, the match is starting in 1 minute, we should be ready for that. Isko karte hain chota. Chota kyun nahi ho raha yaar ye? Ho gaya. Good boy. Let's go. ये लाइन कैसी है ब्लू सी भाई, व्हाट इज दिस लाइन? अच्छा रैंडम नंबर जनरेटर है भाई. लेट्स मूव दिस. गाइस द गेम बिगिन सून, द गेम्स बिगिन सून, वेरी सून. ओके, सो कहां थे हम? हाँ गाइस,
वी विल स्टार्ट ऑन निहाल्स गेम एज यूजुअल. बहुत सारे लोगों ने मुझे अपेरेंटली मैसेज किया है फॉर मेंबरशिप. गाइज आई डोंट हैव एनी मोर अनफॉर्चुनेटली, सो दैट्स समथिंग अनफॉर्चुनेट. ओके सो गाइज कहाँ थे हम? लेट्स गो. वी आर रेडी विद निहाल्स गेम गाइज. इट शुड स्टार्ट एनी सेकेंड नाउ. By the way, the games have begun. The games have begun. I can see the players are shaking hands, which I don't recommend. Why they're doing it, I have no clue. But anyways, the games are starting, guys. And very soon, we should have the first move by Nihal Sareen. Firuz Jai is adjusting his king. feel kar raha ho chessboard ko abhi. And they are shaking hands again. Why are they shaking hands? I have no clue. Please don't shake hands. Bhai, sportsmanship baad mein COVID ka dhyan pehle, bhai. You should not shake hands. I would highly recommend not shaking hands if you ever play chess nowadays. Please don't shake hands. It's not about the gentlemanship ke chakkal mein, bhai, pata lage pura tournament hi tum khatam karwa do. I was watching it from the footage of Chesscom, guys. I cannot show it on stream, of course. It's not mine. So we will wait for the games to start. Oh, Nihal is black. My bad. Guys, the games have begun. The games have begun. Let's go, guys. Stream like kar do. Let's get to 300 likes. And if you're here for the first time, do subscribe to the channel, guys. Become a part of a family. 14k pahunchne wale hai. If Maga watches this tournament, he'll be impressed in Nihal's chess. Surely he'll be impressed. Surely he'll be impressed. For sure. By the way, we are at 13.99k, guys. Jaldi se like kar do, bhai. Let's get, subscribe kar do, bhai. Let's go to 14k. So guys, knight f3 d5 played by Nihal. Very solid setup for by Nihal. Okay, ye unpin message unpin kar dete hai bhai. We don't need this now. d5 played and white is thinking. By the way, we should also follow Firuzja's game carefully today because aaj bahut important game hai. Firuzja against MVL. By the way, MVL is wearing a mask. By the way, the first guy among the top boards to wear a mask, guys. Shout out to MVL for taking precautions more than the others. Shout out to MVL, bhai. I have to show you this. Guys, as you can see, MVL is wearing a mask. Shout out to MVL, bhai. Well done, MVL. Big fan. Big fan, bhai. By the way, MVL also knows about our channel. He has seen our YouTube channel. Kuch message kiya tha usne at some point, mere friend ke through. Sahil, bhai, samosa mil gaya, chutney mil gayi. Arre, bhai, bilkul bahut badhiya. India won the toss in batting first. Kya baat kar rahe ho? भाई मैच 7:30 है तो टॉस अभी हो गया, क्या बात कर रहे हो. एमवीएल वेयरिंग मास्क टू अप्लाई प्रेशर टू फ्यूजा ऑन द ओपन लाइन. बाय द वे g3 प्लेड, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे फॉर व्हाइट टू प्ले अगेंस्ट निहाल. बिकॉज़ यूजुअली व्हेन यू प्ले अगेंस्ट अ प्लेयर लाइक निहाल, यू हैव टू अप्रोचेस. यू काइंड ऑफ गो फॉर समथिंग वेरी क्रिटिकल, लाइक क्रेजी, ठीक है भाई इसको मेट करना है, और यू ट्राई टू गो फॉर समथिंग वेरी सॉलिड. नाउ दिस इज नीदर. This is not some main line जहाँ पे he is trying to win with the opening preparation, and neither is it something very safe like the London or the some d4 d5 setup. Yeah, very safe something like the Queen's Gambit. So I'm kind of surprised by this choice. That just signals to me कि maybe he understands this setup a lot, and that's why he's done. Adiban has played b3. What? Really? Finally, guys! Finally, we have b3 by Adiban. इसी चीज की कमी थी गाइस पूरे टूर्नामेंट में. दिस इज द रीजन व्हाई अधिबान कुड नॉट विन दिस टूर्नामेंट गाइस. इट वाज 1v3, ही हैड नॉट प्लेड 1v3. नाउ वी विल सी अ स्ट्रीक ऑफ 8 गेम्स बाय अधिबान, 7 इन अ रो गाइस. ही इज गोइंग टू विन b3 e5 बिशप b2 नाइट c6 c4 g6 e3 एंड बिशप g7. अधिबान फाइनली हैज प्लेड b3 गाइस. नाउ नोबडी कैन स्टॉप हिम. पीपल कैन रिजाइन, कार्लसन कैन रिजाइन, स्टॉकफिश कैन रिजाइन, बिकॉज अधिबान हैज प्लेड b3. इट्स ओवर गाइस. Guys, AD has won the game, so we can definitely not worry about this anymore. Let's go to the game of Firuzja for a second. So guys, now we are looking at this game. It is, by the way, it started with the knight off. MVL plays the knight off exclusively, guys. Exclusively khelta hai wo. And A4 was played by Firuzja. Very interesting choice. This should be transposed to the bishop e2 setup. Usually, it's transposed. But he plays knight f3. Okay, interesting. Bishop g5. Very interesting setup by Firuzja. I think he's going for something very safe. Title mein hashtag samay rehna kyun hai?
भाई टाइटल में हैशटैग समय रहना कहाँ है भाई, मुझे दिखाओ भाई कहाँ है भाई आयुष्मान जी समय रहना। या ट्रू टू बी थ्री गाइस, ही प्लेड बी थ्री, ही विंस, इट्स ओवर लाइक दिस सेशन, अदिवान हैज वन दिस गेम ऑलरेडी। ये सिर्फ ओपोनेंट को भी समझ नहीं आया है टाइटल में कहाँ है भाई, क्या बात कर रहे हो, कहाँ पे भाई, मैंने तो डाला ही नहीं यार, व्हाट है। अरे व्हाट आई कैन सी इज हैशटैग चेस, हैशटैग निहाल सरीन, हैशटैग ग्रैंड स्विस, आई कांट इवन सी निहाल समय रहना। अच्छा ओ अच्छा ओके ओके माय बैड, समझ गया भाई, बेसिकली मैंने वो चेंज नहीं किया था भाई, अब ठीक है। हाँ सो गाइस वी सॉ टिल नाइट एफ थ्री, बिशप जी फाइव, बिशप पी सी, बिशप सिक्स, नाइट टू डी फाइव। गाइस इन द नाइट ऑफ डी फाइव स्क्वायर मीन्स एवरीथिंग, इट मीन्स एब्सोल्यूटली एवरीथिंग। सो इफ वाइट कैन कंट्रोल दिस स्क्वायर वेल, दैट मीन्स कि ही कैन बेसिकली लाइक निगेट एनी सॉर्ट ऑफ काउंटर प्ले फाइव ब्लैक। Usually night off में black wants to play d5 and equalize, in fact gain a slightly better position, but that's not happening right now. So I think so far I think Firuja has a decent opening, but it's also very difficult for let's say Firuja to break through, like matlab dono ke liye mushkil hai. This is a very close setup, close bolna, it's kind of controversial with the open c5. It's like a position jahan pe किसी के लिए भी कुछ भी करना मुश्किल है। आज इज ग्रेट टफ है, टफ तो है यार, आई थिंक ही कैन स्टिल विन दिस। ड्रॉ इज द मोस्ट लाइक रिजल्ट, लेट्स गो टू द अदर गेम्स गाइस, लेट्स चेक आउट प्रग्स गेम। प्रग इज प्लेइंग मामेदोव रॉफ एंड वी हैव स्टार्टेड विद e4 c5 नाइट एफ3 नाइट c6 बिशप b5 g6 कैसल्स बिशप g7 c3 एंड गाइस वन मोर थिंग, व्हेन द बिशप इज ऑन g7 A good setup is c3 d4. When the bishop is on e7, a good setup is b3 bishop b2. That's like a common pattern, dimag mein rakhna isko. Agar aapka opponent bishop g7 pe dal raha hai, to c3 d4 is a good plan. Agar aapka opponent bishop e7 pe dal raha hai, to b3 bishop b2 is a good plan. That's always a good idea. So after c3, knight f6, rook e1, castles, h3, preventing knight g4 and other moves so that white can play e5. And black will try to prevent e5 now, I think. Guys, stream like kar do. Let's get to 400-500 likes. Jaldi se, bhai. Let's pin this message. And let's go to the next game. Let's go to Hari Krishna's games, who, by the way, won yesterday in a completely drawn position by outplaying his opponent. He's playing Swartz Daniel. He has the white pieces, should be favorite. But Daniel has played some great chess. Darius has played some great chess. Another knight off, guys. Bishop d3. By the way, ye opening jo thi na, it used to be regarded something very dubious. But nowadays, many people are playing this. And yahan pe you can, of course, go for g6. And that's exactly why it's planned to force black to play something which he doesn't want to play. But then after e5, knight to e2, bishop e7, castles, knight g3. That's why it's planned. He wants to occupy the f5 square at some moment. After bishop e6, f4, white is trying to attack on the king side, guys. But black has decent compensation. This is a kind of a cruel attack. मतलब कुछ हमने देखा नहीं, कुछ भी सोचा नहीं, बस attack करना start कर दिया. I love the stream. Thanks, Ajan ji, for liking the stream. Hey, Vav, कैसे हो भाई? So, we'll go to the next game, guys. Let's check out Caruana's game, by the way. E4, E5, okay. Okay, not playing castles here, thankfully. Otherwise, फिर से वो ड्रामे देखने पड़ते हमें. Okay, ठीक है. So far, all equal in this game. Hello, Bharat. भाई चटने के लिए समोसा नहीं आया. भाई तो समोसा भी आ जाएगा भाई. डिलीवरी में लेट होगा भाई. Gukesh has sacked a pawn. Let's have a look at Gukesh's game. Ay, yaar. फिर से स्कैम स्टार्ट, अनोनिमस YTG, कब सुधरोगे भाई, कितने स्कैम करोगे यार, एक ऑनेस्ट आदमी के साथ कितने स्कैम करोगे भाई, भगवान देख रहा है भाई, भूलेगा नहीं, आपकी एक बार गर्लफ्रेंड भी ऐसा बोलेगी भाई वुड यू लाइक टू गो आउट विद मी, तुम बोलोगे हाँ, कही अरे मैं तो मजाक कर रही थी। ऐसे ही कटेगा आपका पक्का, देखना भाई।
राउंड अप नहीं प्रखर, अभी तो हम गेम्स देख ही रहे हैं, अभी तो राउंड अप तो थोड़ी देर बात करेंगे। सो लेट्स गो टू द गेम ऑफ, अभी तुमने सारी देखी भी नहीं यार, राउंड अप तो थोड़ी देर बात करेंगे। द गेम जस्ट स्टार्टेड एट 5:30 गाइस, आज गेम्स लेट स्टार्ट हुई हैं। निहाल विनिंग शर्मा जी, वाह बेटे वाह, इतना कम से कम लॉजिकल स्कैम तो करो। सो नाइट एफ 3, नाइट एफ 6, c4, g6, knight c3, e4, d4, किंग्स इंडियन गाइस, एंड दिस इज यूजली नॉट वॉट ब्लैक प्लेज बिकॉज ही यूजली प्लेज d6 एंड e5, बट यहाँ पे दिस इज ऑल्सो सेटेड अप बाय ब्लैक कैन समटाइम्स प्ले e5 इज अ गुड मूव एंड नाउ यू कैन समटाइम्स टेक ऑन d5 और कैसल्स। लेट्स सी व्हाट ही प्लेज, ही कैसल knight c3, bc3, dc4, बिशप c4, एंड आई थिंक ब्लैक विल प्रोबब्ली गो c5 हियर, ट्राई टू ब्रेक वाइट स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड ही डज गो c5। पॉटिंग क्या हो गया क्या, लेट मी चेक। अरे 14K डन गाइस, 14K डन, यो यो थैंक यू 14K गाइस, पीआर 14K, बढ़िया भाई, यो यो 14K ओपी। निहाल निहाल गेम बचाएंगे यार, लेट्स गो टू द गेम ऑफ, किसकी गेम रह गई, शशि किरण, लेट्स हैव अ लुक व्हाट इज ही प्लेइंग। सो वी हैव द फ्रेंच डिफेंस, फाइनली द फ्रेंच गाइस, फाइनली फ्रेंच में कुछ एपिक होगा भाई, मुझे पता है फ्रेंच इज अ क्रेजी ओपनिंग, सो बड़ा मजा आएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर 14K, आप लोगों की मैच से हुआ है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो चिल कर रहा हूँ। थैंक यू गाइस फॉर 14K, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते चलो भाई, आगे बढ़ते चले। अरे सितिशी थैंक यू सुपर चैट भाई, थैंक यू सुपर चैट, नाइट्स ऑफ 14K, थैंक यू भाई। सो दिस इज गाइस, बाय द वे यहाँ पे यूजली e5 इज प्लेड बट ही ट्राइज द अदर लाइन विद knight e2, इज नॉट सो प्लेड टू ऑफ्टन, बट शशि किरण का भाई ओपनिंग प्रेप है भाई। लेट्स गो टू द गेम ऑफ सूर्या एंड देन चंदा। सूर्या है तू मेरा, चंदा है तू, प्लीज एडजस्ट द टाइमर, इट्स कट ऑफ, इवन द 8th रैंक इज कट ऑफ, लेट मी हैव अ लुक इफ द 8th रैंक इज कट ऑफ। ओके आई एडजस्ट इट ऑफ कोर्स, नाउ इट्स फाइन गाइस, नाउ इट्स फाइन आई थिंक, एंड टाइमर इज कट ऑफ, माय बैड गाइस, माय बैड, आई एडजस्ट इट। Now it's fine guys, now it's visible I guess, now it's visible. Guys let's go, let's, okay so this game has just started guys, Surya definitely has an attack here, so I think he has a good position with good potential here, but it's still opening theory, so we cannot say if he's better or not. Let's go to the game of Adiban once, and then we'll check out Nihal's game. Oh, by the way, the queens were traded off in Adiban's game. That's crazy. Let's have a look. After knight d4, castles, knight c6, bc6 was played. Queen d8, rook d8, bishop d7, king d7, knight c3. By the way, guys, in this position, white has like technically almost an extra pawn on the king side because ye double pawns hain. So white is doing well structurally, as long as he can develop his pieces very quickly, like bishop e2, castles, rook d1. I think white is doing pretty well. Also, he can play rook d1, rook takes d1, king takes d1, rook d8 check, and king to c1, and then bring the. So white is doing pretty well, I think. So Adiban has some good chances here. So let's go to Nihal's game, guys. B3 works on Adiban, guys. B3 works. B3 OP in the chat. Let's go to Nihal's game. Okay, so a lot of moves have happened, by the way. So we saw only till g3. g6, bishop g2, bishop g7, d4, knight f6, castle. Again, a symmetrical position, guys. When you see symmetrical positions, it usually is roughly equal. c4, dc4, knight a3, c5, dc5, c3. By the way, this is a very common pattern when you know you're going to lose a pawn. If you try to defend with bishop e6, White can anyway play knight d5 or knight g5, तो बिशप देना ही पड़ेगा। इससे बेटर है कि भाई तुम ये पॉन दे दो और c3 खेल के दे दो, ताकि वाइट का पॉन सच्चा खराब हो जाए। एंड वाइट इज लाइक, भाई तू पॉन से घंटा मुझे फर्क नहीं पड़ता, तू मार ले पॉन, मैं नाइट b5 खेलूंगा। निहाल इन टर्न प्लेस नाइट a6 अटैकिंग द c5 पॉन, नाइट c3, नाइट टू c5, एंड द पोजिशन इज ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल हियर गाइस, बिकॉज पॉन से पूरा सिमेट्रिकल है, एज यू कैन सी सारे पी सिमेट्रिकल है भाई, सारे पी सिमेट्रिकल है। द ओनली डिफरेंस इज नाइट ऑन c3, नाइट ऑन c5, बट दैट्स नॉट अ ह्यूज डिफरेंस, बट स्टिल अ लिटिल बिट।
Now after bishop to e3, knight to e4 was played by Nihal. Knight takes e4, knight takes e4, bishop d4, bishop d4, knight d4. To be honest, if white wanted to draw, he would have captured with the queen, but he took with the knight. So that means white is still trying to go for some sort of advantage here. Guys, do like the stream. Let's get to 600 likes. And if you're here for the first time, subscribe button daba do. Hamari family mein shamil ho ja bhai. Nihal ki game fit draw hogi kya? Nahi guys, I think this is a very long game. It can't end in a draw, of course. Pawn is symmetrical hai yaar sara. So not so easy to complicate this position, but Nihal will fight. Nihal will fight. There's still not a draw. It's not a draw still. Yeah, same color bishops. True. Tikku has a lot of samosas, if you get me. I do not get you, unfortunately, bhai. So, in bishops the color, mere baal ke color se same hai. So, they must be doing well. Let's go to the game of Parag, guys. Ek baar aur subscribe button press karna hai kya? Nahi, bhai. Ek hi baar, Ayushi. Once is enough. ज़्यादा उंगलियों पे प्रेशर नहीं डाल. आई डोंट वांट टू प्रेशराइज यू टू मच. सो एक बार इज इनफ. सो लेट्स गो टू h3. वी सॉ h3 गाइस. क्वीन b6 वाज प्लेड. बाय द वे वी सॉ सिमिलर ओपनिंग. इफ यू सॉ द क्वींस गैम्बिट व्हेन बेथ हर्मन प्लेज अगेंस्ट दैट वर्ल्ड चैंपियन, शी प्लेज अ वेरी सिमिलर गेम. इफ इट्स नॉट द सेम पोजिशन, याद है क्या? शी प्लेज बिशप टू b5 एंड ही प्लेज क्वीन टू b6 एंड शी टेक्स ऑन c6. ही टेक्स ऑन c6, याद है? एग्जैक्ट सेम पोजिशन थी रफली. So white plays a4 and black is black to move now. Like two times kuch bhi. Beth Harmon black thi bhai. Arre ha, she was black. True. She was black. You are right. She was black, but she was the position was exactly the same, yeah? Almost same thing. Borgo, yes. True. So, let's go to the game of Ronak. So, in Ronak's game, guys, after c5, it's still white to move. White has still not played anything, by the way. Here, there are many moves. Bishop f4 is a very solid move. You can play queen e2. That's the move probably I would have played, just to kind of move the queen away. And prepare rook to d1, defend the d4 pawn. Beth Harmon gori hai, toh bhai iska kya link hai isse? I haven't watched Queen's Gambit. Bhai, unmod na karwa do bhai. Lakshya ji, aaj tum kaafi unmod wale kaam kar rahe ho. Dekho bhai, Queen's Gambit. Isse pehle Netflix hata de. Let's go to the game of Hari Krishna. by the way, okay, so f4 ke baad he took on f4, bishop f4, knight to d7, and the plan probably is to plonk the knight on e5, guys. It's a very good square for the knight. It defends the king side, prevents e5 from white, and also exerts a lot of influence, yeah, attacking the bishop, attacking the queen possibly if it were to come to f3. So I think this knight would be very well placed on e5. Sometimes can go to g6 from the king side. शादी कर लो बेथ हरमन के साथ. वाह बेटे वाह. आई थिंक हरिका इज गुड चांस टू कम फर्स्ट. ट्रू ध्रुव, दैट्स अ गुड प्रेडिक्शन, बट ऑफ कोर्स इट्स नॉट दैट इजी. निहाल डोंट ड्रॉ, इफ यू ड्रॉ गेम्स आर बोरिंग. या भारत, आई होप सो ही डजंट ड्रॉ. इवन आई होप सो. 5 मिलियन का क्या स्कैम क्वींस गैम्बिट का? भाई ये क्या स्कैम हुआ भाई? अच्छा वो वाला कह रहे हो क्या जो केस हुआ था उस पर? अरे हाँ गाइस, बाय द वे वी आर हैविंग अ सर्वर बैटल. बीस्ट चैट इज ऑर्गेनाइजिंग इट एंड इट्स गोइंग टू हैपन फ्रॉम 6th टू 12th नवंबर. इफ यू आर गुड एट चेस, इफ यू आर गुड एट वैलोरेंट, और इफ यू गुड एट JKLM बॉम्ब पार्टी जो गेम है, प्लीज ज्वाइन अ डिस्कॉर्ड. वहां पे आप हमारी टीम में पार्ट ले सकते हो. 3 प्लेयर चाहिए, उसका सिलेक्शन हम 2nd नवंबर को करेंगे. सो डू ज्वाइन दैट डिस्कॉर्ड एंड वहां पे आपको मिलेगा. भाभी कब आएगी भाई? भाई जब तक स्ट्रीम करता हूँ तब तक कैसे आएगी भाई? थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा मुझे इसके लिए. सो गाइस, लेट्स गो टू द अदर गेम्स. लेट्स चेक आउट फिरुजा'स गेम फॉर अ सेकंड. वी सॉ इट टिल नाइट d5. आफ्टर नाइट d5, नाइट टू d7, बिशप c4, रुक c8, b3,
knight to b6. Now white has to take because the bishop is hanging, the knight is attacked. So knight f6, queen f6, bishop e6, queen e6. And now it's white to play, guys. So the first move that came to my mind was c4. But apparently there's a problem with it, and that's knight to d7. And white is probably not well prepared enough. For example, he's not well prepared enough to play rook c1, b4, a5 and start pushing these pawns. Maybe it's a bit hurried. Let's see what Firuzja plays here. I know about Nuno Garpandichvili, guys. It was a bit too much, to be honest. 5 million, come on, bhai. 5 million, it's a bit much. Tikku for marriage. Bhai, tumhe kyun jaldi hai, bhai? Mujhe to jaldi nahi hai koi bhi. Mujhe koi jaldi nahi hai, bhai. MVL is super strong. True, MVL is super strong. Monica, we will look at the women's game just now. So we'll go to those games now. Okay, let me go to the women's section. पहले चेस को हमने उल्टे गेम्स लोड कर दिए थे, मेंस सेक्शन में उन्होंने वुमेन्स गेम लोड कर दिए और वुमेन्स सेक्शन में मेंस गेम लोड कर दिए. चेस को हमें भाई नूब होता है कई बार. सो गाइस लेट्स गो टू हरिकास गेम. शी इज प्लेइंग अगेंस्ट नेटालिया पोगोनिना. लेट्स हैव अ लुक एट द गेम. सो इटालियन गाइस, नॉर्मल इटालियन, आफ्टर a4 बिशप a7 Rook to e1, castles, h3, preventing knight g4, rook e8, and now white has a repetition with knight g5, rook f8, knight f3. But I don't think she'll take the repetition. I don't think repetition legi wo, so she'll play on. Harika will play on, guys. Pote said on our stream that there's a guy called Sahil and he's very cute. Was she talking about you? Of course not. What was peak rating of Gary Kasparov at his time? Was 2851, guys. Cricket अच्छा नहीं लगता क्या? Cricket अच्छा लगता है भाई, but इतना मैं उतना देखता नहीं हूँ आजकल. मैं last time देखने बैठा तो भाई पाकिस्तान इंडिया को पेल रही थी. तो I was like कि भाई अच्छा ही कि मैं देखता नहीं उतना. So let's go to the game of guys. एक बार women's section की games देख लेते हैं. Let's go to Vantika. Vantika is Grunfeld. Vantika is playing Abdul Malik Zinsaya, by the way. So she has a very tough opponent. But she's definitely a bit better. So let's see how this happens. So after the Grunfeld opening, e4 takes. Okay, she sacked a pawn. Bishop g4, bishop e3, knight c6, d5, knight e5, rook b7. It does look like she's a bit better against Zinsaya. So that's a good position for Vantika. Very well done. Let's check out Vaishali, guys. Vaishali. So Vaishali's game is still in the opening, guys. Bishop b5 again, very popular nowadays. e6, castles, knight e7, rook e1, knight d4, bishop f1, knight f3, queen f3, knight c6, and b3. Similar to Atiban, she's putting the bishop on b2, putting pressure on the king side. Aaj dekhna match bhi, agar aaj bhi haar gayi to main cricket zindagi kabhi dekh nahi paunga, bhai. So that's the issue. Let's see kya hota hai. Let's go to the game of Padmini game dekhte hain. She lost yesterday, unfortunately. But okay, so this is a very the typical structure in the Meroxy bind with these moves. So at some point she'll play queen d2, rook d1, rook c1, b3, f3, and then at some point plug the knight on d5, black takes, pawn takes, and she'll have the open c file. Like, this structure has been seen so many times, guys. It's so common. Yeah, so black plans to take on d4 and then bishop c6. That's black's plan. Let's go to the game of who's next? Divya. By the way, Divya is the she is the Adiban of the women's section right now. She is 1 out of 3. She's not played so well. But today she's facing a much lower rated opponent who's rated 2000. So she should technically manage to convert today. So I think, see her recent position, she spoiled the white pawn structure. White have the two bishops, but I like her position because she can take on c4, play c5, knight d7, c5. So I think Divya is doing pretty well. Nothing spectacular, but pretty okay. So let's go to the men's section, guys. How's Nihal doing? He's doing pretty well. Let's have a look at Nihal's game itself. Nihal is playing Manuel Petrosian. We saw it till knight to d4, guys. We have to go back a little bit.
Here Nihal played knight to d6. The idea is to get away from the attack of the bishop, also defend b7, also close the d-file, and sometimes a pair move like knight f5 later on. White indeed plays queen b3, trying to put pressure on more pressure on b7, and now it's Nihal to play, guys. How many total limits do you have? Aryan, I am not sure. But for sure, 15 ke aas paas hai, itna mujhe pata hai. Not many. Nitish se 1/10th hai, bhai. So, in this, guys, the thing is, white has more, has a development advantage. He has plonked the queen on b3 and he will play rook d1 and rook c1. So, black has to be very careful here. How does he develop the bishop is a very important deal. Are Veritas and OPG is back. N sodium hydroxide plus hydrogen chloride is salt plus water, I guess. Salt plus water. Thank you, super chat, bhai. Yes, salt plus water. Why? NaCl is salt and H2 is water, bhai. Exactly. Aaj glass mein kharab hai mera, bhai. So, I think this should be pretty decent for white here. So, Nihal is definitely slightly worse. But it's like, I think, yeah, I mean, it should be a position where Nihal should be able to equalize. Maybe rook moves like rook to b8, bishop to d7 look like possible moves. Guys, if you like the stream and if you're here for the first time, do subscribe to the channel, guys. Let's get to 600 likes as quickly as possible. Let's go to the game of Arjun because some people are asking for it. Oh, by the way, interesting position here. आपके चैनल का नाम चेसेस होने का रीजन क्या है? एक्चुअली हमने वेबसाइट पहले बनाई थी, वी मेड द कोर्सेज फर्स्ट एंड वेबसाइट का नाम था चेस असिस्ट. So we thought the channel name should be Chess Assist to complement the website. Do you think Nihal can outplay his opponent? He can. Surely he can. Salt bot tarike ke hote hain, noob tikku ji bhai, but hote to salty hai na. What is King H1 in Surya's game? I'll have to see. We'll go to that game soon. It's difficult to win back. True, Ritesh. Wait a second, OP. Questions ke koi problem to nahi hoti na. Questions ke koi problem matlab nahi yaar bhai. केमिस्ट्री मैथ्स रिवाइज करने में क्या ही इशू. श्रीनाथ ऑन स्ट्रीम साइड निहाल्स गेम विद एल इन अ ड्रॉ. रियली श्रीनाथ इज स्ट्रीमिंग, लेट मी चेक. ही इज ओके, बट ही इज ओनली डूइंग अ शॉर्ट स्ट्रीम, आई थिंक शॉर्ट एएमए. ओके, which Indian player is capable of qualifying candidates? I think Nihal and Vidit, but of course Vidit not from this tournament. Srinath says if he wins or loses, he'll be shocked. So I hope Srinath gets shocked. I know it's most probably a draw, guys, but I would still hope somehow he can outplay. Nihal is Nihal. We know he can create some chances there. Let's hope so. So, in this game, guys, we saw it till this position. Queen b3, dc4, queen b4, bishop g4. He could have played the move knight e5 also, I think. Knight c3, knight d7, bishop f4, e6, e3, takes, bishop e7. Castles, and this is a very, very risky setup. White plans to attack on the king side and will face an attack on the queen side. Hope Aliyaza loses, but why? Wait, something here. Name one structure present only in plant cells. Structure. I mean, chlorophyll is something is present only in plant cells, but structure, mujhe pata nahi yaar. I hope so. Chlorophyll ki baat kar. Acha, cell wall. Arey, haan, bhai. Yahan bhul gaya tha, bhai. Yahan bhul gaya tha. True. Why are you playing the bot time over here? Let's go to Surya's game, guys. In Surya's game, guys, as you can see, it's e4, c5.
Okay, we saw a little bit, I think. Yeah, d4 takes takes, knight f6, bishop e3, bishop e7, f4, d6, a4, castles, king h1. King h1 is, guys, basically this diagonal is open towards white's king. So white plays king to h1 to kind of remove his king from this diagonal. Tai kal ko jab bhi a bishop exchange ho, there is no check. There is no check along this diagonal. And also knight g4 at some moment, the bishop can always head back to g1. So there are multiple purposes to this move. And usually it's just to avoid any check along this diagonal. Guys, look the stream. Let's get to 600 likes. And if you're here for the first time, do subscribe to the channel, guys. How much reading should I have? I would say 1500, 1400 to 1500 is good. 1900 to 2000 is good. And more than 2500 is good. Is SL Narayanan Srina different? Yes, guys. SL Narayanan and Srinath is different. Of course they are different, bhai. Of course they are different. Kya baat kar rahe ho, bhai, tum? Don't you know the difference, really? That's a bit weird. Of course they're different, bhai. Yes, Adiban is India number 6 now, guys. Adiban lost yesterday, so he lost a lot of ratings. So, Nihal is India number 5. So, let's go to the game of Prague. So, in this game, a6 was played, guys. And instead of following Borgo's move, bishop c6, Prague just came back to c4. He's like, Borgov, you can kiss ass. I will play bishop to c4. And after e5, he plays d3, putting the pawn on d3, defending the pawn. And after d6, opening up the final minor piece. And it's white to play. I think the knight will go to d2 now. That looks very likely. All right, thank you for super chat, bhai. Name any three types of soil present in India. Sochna padega, bhai, ye cheez to. Three types. Clay. Red. And वो प्लेटो पे कौन सी होती है ब्लैक सॉइल होता है क्या जो प्लेटो पे होता था जो मतलब वो आई थिंक इज क्ले रेड एंड ब्लैक आई होप आई एम नॉट मिस्टेकन देयर निहाल इज इंडिया नंबर 4 ओ दैट्स या दैट 2222 माय बैड या इंडिया नंबर 4 2222 वॉल्केनिक हाँ वॉल्केनिक तो है भाई बट वॉल्केनिक इंडिया में ज्यादा नहीं होगी यार फर्टाइल सॉइल हाँ भाई बिल्कुल इनफर्टाइल सॉइल बोलता हूँ फर्टाइल सॉइल बोलता हूँ शाबाश बाय द वे इट्स स्टिल प्राग इज स्टिल थिंकिंग इन दिस गेम सो लेट्स गो टू द गेम ऑफ अदिबान एंड सी वॉट ही इज डूइंग वी सॉ इट इन नाइट टू सी थ्री गाइस आई थिंक या आप तो बहुत प्रो हो आपको सब पता है वेट से भी थैंक यू भाई मेरे को लगता है टू बी ऑनेस्ट मेरे को लगता है मेरी मेमोरी बहुत खराब है बट अपेरेंटली इट्स नॉट सो बैड थैंक यू फॉर इम्प्रूविंग माय कॉन्फिडेंस इन माय मेमोरी दैट विल डेफिनेटली हेल्प मी नॉट किडिंग अबाउट दिस दो मुझे इतना कुछ याद है भाई डिफ्रेंसिएशन ये सब क्या क्या मैथ्स और ज्योग्राफी और हिस्ट्री क्या क्या टेस्ट हो चुकी है मेरी आई एम हैप्पी अबाउट दैट एस एल नाइन इंडिया नंबर 5 नाउ अरे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग नाइस हु आर वर्किंग विद मैच फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप आई थिंक इट विल बी of course, I think it might be Gustavsson, like last time, it might be Dubov, I'm not sure. It might be Anish Giri, who knows. Prague is improving Borgov's play. Yes, yes, he's like Agli movie ka hero Apun. Agli Queen's Gambit ka hero Apun banega. Kacharya tiles ki desh ki mitti se banti... Who designed an Indian flag? ये मुझे याद नहीं है यार आई थिंक वही था क्या नहीं नॉट रविंद्रनाथ टैगोर राइट इट वॉज नॉट रविंद्रनाथ टैगोर आई डोंट थिंक सो राइट सी एस एल राइन इज नॉट गिवन चांसेस दिव्यांशु या बट ही इज ओल्डर यार ही इज मच ओल्डर देन दीज गाइज यंगस्टर्स ऑफकोर्स ही गेट लेस चांसेस देन लेट्स से एनी अदर गाइज Okay, thank you, Super Chat, bhai. Hardest question till now. How did World War One start? How bol diya, bhai? When bola tha, I would say 1914, if I'm not mistaken. How? Huh, let me remember. Mm.
वर्ल्ड वॉर टू बोला तो थोड़ा आसान था भाई, उसमें हिटलर को हम गुस्सा देते, लोग हिटलर लिखते हैं भाई, दैट वाज वर्ल्ड वॉर टू भाई, नॉट वर्ल्ड वॉर वन। ये मुझे याद नहीं है भाई, यू गॉट मी भाई, फाइनली यू गॉट मी, इतना मुझे याद नहीं है। आई रिमेंबर 1914, बट आई डोंट रिमेंबर द रीजन, आई डोंट रिमेंबर अबाउट बिकॉज ऑफ द रीजन, एक्चुअली डोंट रिमेंबर। एनीवेज, मेरा गला भी और इंग्लिश दोनों खराब हो रही है आज। सो आफ्टर नाइट सी थ्री गाइस इन दिस गेम, अदीमा प्लेड एच फाइव, रुक डी वन, बिशप ई सिक्स, एंड नाउ आई थिंक ही कुड हैव प्लेड बिशप ई टू। हाँ, इनफैक्ट आई प्रेफर बिशप ई टू, ही प्लेड बिशप डी थ्री विच आई एम नॉट श्योर अबाउट। ओके, नॉट बैड, स्टिल स्टिल ओके। डू चेक वंतिकास, वी डिड चेक वंतिकास गेम वंस। स्लाव कंट्री टेंशन, अच्छा ओके, मेरे को इतना याद नहीं था, इतना नहीं याद था भाई मुझे, यूपीएससी टेस्ट ऑन ही करवा लो। अक्षय कुमार वॉज अ सोल्जर फाइटिंग वर्ल्ड वॉर टू फ्रॉम, भाई अक्षय कुमार ने क्या क्या नहीं किया भाई देश के लिए। हेलो हेमन जी, क्या हाल है? ऑल गेम्स राउंड अप, सो लेट्स डू अ राउंड अप गाइस, लेट्स सी क्या पोजीशन है, इवन दो इट्स अ बिट अर्ली फॉर अ राउंड अप, बट वी कैन डू इट। हाँ, बिकॉज द गेम स्टार्टेड 5:30 टुडे गाइस, इट्स ओनली बीन लाइक 55 मिनट्स, सॉरी 35 मिनट्स। सो गाइस, दिस इज द फिरुजा गेम, एज यू कैन सी दिस इज रफली इक्वल, वाइट हैज प्रॉबली अ स्लाइट एज बिकॉज ही कैन कैसल पुश ए फाइव एंड ही विल हैव अ स्लाइट एज देयर बिकॉज ऑफ द कंट्रोल ओवर द डी फाइव स्क्वायर। सो आई वुड से या फिरुजा इज स्लाइटली बेटर। वी गो टू कारुआनाज गेम, एंड दिस लुक्स लाइक अ क्रेजी पोजिशन वेयर probably the game is roughly equal, black will take the bishop, have the bishop pair edge, but his king is a bit weaker, although the queen defends, so I would say it's slightly better for white practically, but overall objectively it should be equal. If you go to the game of Levon Aronian, he is playing a very solid position against Opanin Grigori, he's the black pieces, this position looks very equal without the knights on the board, so a possible draw for Aronian. Let's go to the game of Hari Krishna against Darius Swartz. He has also played king to h1 just now, just like Ganguly, because he also wants to put pressure on the king side. guys, do like the stream. Let's get to 600 likes. And if you're here for the first time, do subscribe to the channel, guys. Become a part of the family. Maze karenge saath mein yaar. Arey, Veritas Mopi, thank you for the chat, bhai. Franz Ferdinand was the Archduke of Austro-Hungarian Empire. And he was assassinated by a Serbian national group called Black Hand in 1914 in Bosnia. Ah, okay, interesting. Interesting. ये चीज मुझे याद नहीं है actually. ये चीज याद नहीं है मुझे. ये चीज याद नहीं है मुझे. I mean, history is amazing. Although we as a species not learn from history. That's something very it's like a property of humans. It comes attached. We read history, but we do not learn from it sometimes. Indian plays roundup. We're doing the roundup, guys. We're doing the roundup right now. And I think Hari Krishna is slightly better because he has the pressure on the king side. Queen g3 will come and he will try to attack black on the king side. By the way, guys, my throat is a bit bad today, so it's a bit stressed out. So I'm speaking a bit slowly. Hopefully, awaaz jang se aa rahi hogi. Mujhe bata dena if the voice is fine. And we go to the next game. And next is Sasi Kiran. Sasi Kiran ji ki abhi opening hi chal rahi hai. I don't know what the bishop is doing on b6, but hopefully khul jayega life mein aage chakke. Iske bhi par niklenge. We saw it till a3, bishop a5, b4, bishop b6, bishop b2, castles, g3. And ye kuch ajeeb sa hi rate hai bhai, jahan pe d4, e4 bhi hai aur bishop g2, bishop b2 bhi hai. Alag hi rate hai bhai, ye kuch alag hi rate hai. तुम आईआईटी से है क्या भाई? मैंने पढ़ा होता तो पहुंचा आईआईटी पर, पढ़ा ही नहीं करी भाई मैं आईआईटी के लिए भाई. वी ओनली लर्न हिस्ट्री टू रिपीट इट. टूशे. इज i20 अ गुड बाइक? i20 तो गाड़ी थी भाई. बाइक कब से हो गई भाई? उसके दो पहिए निकाल दिया क्या भाई कंपनी ने? टिक्कू भी लाइक क्वेश्चंस आते भी है और नहीं भी, मगर तू पूछता रहेगा तो पैसे आते रहेगा, इसलिए पूछा. हितु जी, ऐसा नहीं है यार. मतलब इवन इफ यू आस्क मी क्वेश्चंस विदाउट सपोर्ट, आई विल स्टिल ट्राई टू आंसर देम इफ आई नो देम. बट ऑफ कोर्स मतलब
Super chat surely helps, there's no doubt. You talk more on not chess things, that's kind of annoying. Shashaji, that's not true. I talk more about chess stuff. You can ask the chat. Anyways, so let's move to the next game. I think this is still in the opening phase. So we go to the game of Gukesh. And we saw it till somewhere here, I think. We saw it till this position. Yeah. So h6, knight d5, knight f6, c3. I think white is planning d4 here. a3, knight d5, bishop b5, bishop f6. Preventing d4. b4, knight e7, bishop b3, b6. Guys, we're doing a roundup of all the games, the men's section and the women's section. Don't worry, har kisi ki game aayegi. And after b6, it's white playing. I think in this position, the game is roughly equal because black also has two pawns in the center controlling d4. Although right now, I don't like the bishop on d4, but if white plays d4, that's the plan for white. I think long term, it has good prospects. So let's see. sec 6, cosec 60. See, cosec is 1 by cosec, right? And if cos 60 was root 3, so 1 by root 3, I guess, cosec 60. I hope I'm not wrong there, Mr. Noob. Varna, aapka naam aur mera naam same ho jayega. Rook e1 played, very good move. Rook on the half open, okay, not the half open file, but potentially open file later on. So let's go to the next game. Next game is Prague. And plus, when we just saw, he has played knight to a3. That's a very good move. The knight can actually go to c4 now. Cosec is 1 by sine. Ah, my bad, guys. 2 by root 3. Yeah. Okay, my bad. Yeah. 2. Thoda padh lete, dance wale. Are padhte the, bhai. Itna time ho gaya, yaar. Itna time ho gaya, bhai. तुम भी थोड़ी चेस सीख रहे थे भाई सौरभ जी, थोड़ा सीख रहे थे भाई, मेल्टिन 2 मेल्टिन 3 कुछ सीख रहे थे भाई. तो एज यू कैन सी आफ्टर नाइट a3 गाइस, आई थिंक दैट्स नाइट इज हेड टू c4. द बिशप कैन ऑलवेज ड्रॉप बैक टू a2 समटाइम्स एंड देन द नाइट कैन रीराउट सेल्फ टू e3 इफ रिक्वायर्ड. एंड वाइट ऑल्सो हैज द ऑप्शन ऑफ d4 ऑलवेज. सो और द नाइट कैन गो टू c2 बाय द वे एंड e3, दैट्स अनदर पाथ. Yeah, Vantika is playing Zansaya. We saw the game, guys. guys, do like the stream. Let's get to 700 likes. And if you're here for the first time, do subscribe to the channel, guys. We're doing the roundup right now. So I think Prague is slightly better, guys. Let's go to the next game. The next game is of Ronak Sadwani against Alexander Rakhmanov. We saw it till somewhere here. c5, dc5. Wow. Queen d1, rook d1, knight c6, bishop d5. And now Rakhmanov is thinking. So Nihal's plan is ki bhai tum apna kuch bhi karo, hum to pawn khayenge, hame lagi hai bhook tagdi wali. So after knight e5, he can just play rook to b1, put pressure on b7. So I think Nihal is definitely slightly better. but let's see what happens. Sadwani is slightly better, my bad. Nihal bolne ki itni aayat ho gayi hai, Nihal slightly better, Nihal nikalta hai. Sadwani is slightly better and he has more time. As you can see, he has 20 minutes more. That means Ronak is doing really well. Let's go to the game of Sithuraman against Corey George. Now, Sithuraman is slightly lower than Corey George. And Arre, thank you, Super Chat. VJSMOP, explain emission spectra of hydrogen. Bhai, itna mujhe yaad nahi hai, yaar. Itna mujhe yaad nahi, unfortunately. I don't remember itna, bhai. Emission spectra. मतलब हा लाइक व्हाट डू यू मीन बाय एमिशन स्पेक्ट्रा लाइक मतलब आई डोंट इवन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट इतना मेरी नॉलेज कम है भाई अभी लाइक आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग बट आई डोंट नो हाउ टू आंसर इट भाई यहाँ फिजिक्स क्लास नहीं चल रही भाई मिस्टर प्रभात जी डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू बढ़िया भाई बढ़िया मेरे काश मेरे फिजिक्स सर देख रहे अभी स्कूल के भाई सो गाइस दिस इज सिथुरमन इज ब्लैक हियर लेट्स हैव अ लुक एट द गेम वी स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट ओके स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट बढ़िया सो बिशप बी फोर अगेंस्ट वेरी पॉपुलर नाउअडेज अपेरेंटली ई थ्री कैसल्स बिशप डी टू बी सिक्स टेक्स टेक्स ए थ्री बिशप डी सिक्स नाइट बी फाइव दिस वॉज द गेम ओपनिंग आई थिंक विच गुकेश
No, Arjun played against Dubov and took a draw in a slightly better position. So this game opposition is very popular nowadays. Gauss theorem भी पढ़ा तो Gauss theorem मुझे कुछ याद है यार, but I don't remember the exact formula. कुछ तो याद है उसके बारे में. My age, now that's maths I can do, 29. What the hell is wrong with chat? Apparently सारे astrophysicists बैठे हमारी chat में. Einstein शर्मा जाए हमारी chat से. बोहर मॉडल बताओ. ये लो भाई, ये लो भाई. भाई 1919 में जी रहे हो तुम बोहर के मॉडल के साथ. लाइफ आगे बढ़ चुकी है. लेट्स गो टू निहाल्स गेम. सो बाय द वे आफ्टर क्वीन टू b3 निहाल प्लेड क्वीन टू a5. नाउ दैट मूव डेफिनेटली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस बिकॉज यू मूव द क्वीन फ्रॉम दिस फाइल वेयर द रुक विल कम एंड यू स्टार्ट प्लेइंग मूव्स लाइक planning moves like bishop d7 maybe because bishop takes is not possible because of another p8, so it's definitely a possibility. Archimedes law. Nihal draw ball rest pandan ji. Nahi bhai, hum dekh rahe game. Dark energy, bhai dark energy scientist ko bhi nahi pata bhai kya cheez hai, hum kya batayenge. So after queen to e3, e7 is under pressure. Nihal probably has to play the move rook to e8 now. And then it would be white to move. Nihal is still thinking, guys. String theory. Shabash, beta. String theory. Kabhi alag se bataunga, bhai. String theory ka thoda to padha hai maine. India se round up hi kar rahe, guys. So Nihal is, guys, doing okay. He has an equal position. But if Nihal will he be able to win is a very tough question to answer because I don't see how he can win this. This is a symmetrical structure, especially white having the strong bishop on g2. It's very unlikely, but if somebody can, then I think Nihal can. So let's hope so Nihal can somehow create some imbalance here. That's what he wants. Maybe a bishop versus knight, maybe some pawn trade like taking on b2, giving up e7. I don't know what the imbalance will be, but let's see. And finally, we go to the game of Adiban, who has a very drawish position against Ruko Matawar. Ruko, bhai, iska naam main dhang se padh lu. His name is what? मैं उसके IM पे कर्सर डाल रहा हूँ तो GM दिखा रहा है भाई. Chess.com is definitely drunk. Anyways, the name of the player is Rakoto Maharo. Haan. That's the name. And he was the one who lost to, I think, one of the Indian players before. So I think he is definitely the player who Adiban can defeat because he is the higher seed. So let's hope so. But right now, Black is doing really well. Push the pawn to h4. So he's doing really well right now. His name is Fai. Okay, Fai. That's very. काश मैंने नाम ढंग से पढ़ा होता भाई. रट्टा मार लो, Fai ये तो मिल जाएगा. हाँ भाई बिल्कुल. So let's go to the female section, guys. उनका भी राउंड अप कर लेते एक बार. बहुत ही स्लो राउंड अप चल रहा है आज. Formula becoming GM. Sagar Shah wants to know. भाई मुझे पता था मैं GM नहीं बनता था. So first we go to the game of Divya, guys. Divya, as you can see, has a decent position, although her opponent has two bishops and the open g file, so it is a very complicated way for white to and black to play, like a game jahan pe there's a lot of imbalances. Two bishops versus solid pawn structure, king side attack versus possible a queen side attack. You don't know what will happen now. So I think this is a very complicated game worth following. You go to Harika's game. She's trying to maneuver her knight to g3 or e3. The position is slightly better for Harika, but still nothing special. We go to the game of Vantika now. Vantika is playing Abdul Malik Zansaya. She has a slightly better position, but nothing spectacular here. Why is chess addictive? Because I don't know. The Nihal's game draw, not really. Heisenberg uncertainty principle. Why? Iska matlab ye hota hai ki aap ek particle ki a position ya fir energy ek hi cheez measure kar sakte ho. You cannot measure like the
momentum and the position both. Because once you try to see the particle, something changes. एवं कि स्टेफन ने इसको बचपन में कहा क्या कहा ये मुझे नहीं पता भाई. गाइस टीम लाइक कर दो, लेट्स गो टू 700 लाइक्स एंड इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम हमारी फैमिली में शामिल हो, सब्सक्राइब बटन दबा दो भाई. थैंक यू सपनल जी. लेट्स गो टू द गेम ऑफ पद्मिनी एंड देन वी विल चेक आउट द मेन सेक्शन अगेन. सो पद्मिनी'स गेम इज वेरी वेरी काम. शी इज ट्राइंग टू गो फॉर b4. एट सम पॉइंट शी विल गो क्वीन टू d2, रुक टू d1. सो वेरी सॉलिड सेटअप बाय पद्मिनी. दिस इज द काइंड ऑफ पोजीशन वेयर White is always slightly better. He has more space, so nothing going wrong here. Let's go to the game of the men section again, and we go to Nihal's game. So position and motion, वही तो बोला भाई मैंने. भाई energy का मतलब क्या होता है? Momentum वही तो होता है. Well, I didn't make doubt. If knight comes to e5, they go bishop f5 to take the d3 bishop, then c3 to c3. Chubir, yes, you can play c3 sometimes. Okay. Vaishali game we just saw, I think, Jayesh. We saw it. I hope so. So, we are back to Nihal's game, guys. Nihal is thinking right now. I think rook to e8 is the only move. I wonder why his opponent played queen e3. Like, is the idea queen h6? That could be the idea. But then that means you can just play knight f5, knight takes, bishop takes, bishop takes b7, rook b8, bishop back, rook takes b2, and that should be perfectly fine for Nihal. So I don't know why he played queen e3. Rook e8 looks very normal here. Arigaisi Arjun is missed, bhai. Are okay, Arigaisi Arjun. Did we miss him, really? Arigaisi Arjun, we missed. Let's have a check. Are ha, we missed him. True. So, no, we saw this position, guys. We saw it. After king to b1, castles, rook g1, king h8, it's white to play. I think e4 can come, bishop d3 can come, bishop g5 can come, the queen can come to d3 and try to transfer the king side. h4 can is also possible. भाई चेस देखने हैं, एस्ट्रोफिजिक्स में PhD कर रहा हूँ. जितेंद्र जी मैं भी कर रहा हूँ भाई, बढ़िया है ना. एक से दो निशाने. Vidit is not playing because of COVID, guys. He was a bit worried about the COVID situation, so that's why he's not playing. And that's a very genuine concern. And I totally agree with the decision there. आप कौन हो भाई, ये तो आप बताओगे ना यार. मैं कौन हूँ भाई, तुम बता दो यार, मैं कौन हूँ. Guys, do like the stream, and if you're here for the first time, do subscribe to the channel, guys. हमारी family में शामिल हो जाओ. And let's get to 700 likes as quickly as possible. Let's go to the game of Prague, guys. Prague. Okay, so now. So now I think, we saw till knight a3. We saw this position, so we should probably go to some other game. We saw this position, guys. Let's check out Firuzja's game. How is he doing? So we saw it till this position, and here castle was played by Firuzja. MVL also castle, c4, knight d7, knight d2. And he did play my idea with c4, actually. That's interesting. Am I Firuzja? Am I teleporting? Noob Master ho aap, thank you bhai, thank you. Kosh ji, thank you bhai. Guys, yes, do like the stream. Let's get to 700 likes. Vidit ko bolo, risk hai to ishq hai. Bhai, Bharat ji, usko na ishq karna, na risk karna bhai. Hum kya force kare? Uski marzi hai bhai, kab ishq karega, kab risk karega. Anyways, let's go to the game of Caruana. By the way, David Howell has captured on g3. Now he has the two bishops. And I kind of like his position in terms of how the bishops are. But on the other hand, he has weakened his king a little bit. At some point, if the queen moves, it can be a problem. And also, there's some tactics because e6 is threatened. And you cannot capture back because the bishop is hanging. So, there are some tactics in the position. Yes, he's a chess24 commentator, guys. So, that's why I think David Howell will not be well prepared for this event. In fact, he had a better position against Prague, almost winning. But he spoiled it and Prague managed to draw.
भाई चेस बुक्स पढ़ने में बोर लगता है, अब तक तो 2300 रैपिड आया हूँ, वो टैक्सी वैसे क्या करूँ? सुबीर जी तो हमारा कोर्स खरीदे भाई, दैट इज नॉट बोरिंग बट इट्स लाइक अ चेस बुक बट थोड़ा सा बेटर है। व्हाट इफ गुरिस्किना विंस, शी विल क्वालिफाई टू मेंस कैंडिडेट्स? यस शी विल, शी विल। अ वुमन कैन ऑलवेज बिकम द वर्ल्ड चैंपियन इन जनरल, बिकॉज जो वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल है इट्स नॉट लाइक मेंस चैंपियनशिप, इट्स जस्ट द ओपन चैंपियनशिप। हिकारू क्यों नहीं खेल रहे हैं? बिकॉज ऑफ कोविड गाइस। Who was the first GM of India? I think Anand was, Anand, Vishy Anand was the first GM of India, if I'm not mistaken. Or was it the Barua? Who was the first GM? Anand or Barua, one of these. Adiban should have won. Adiban has already won, guys. Adiban has already won. Like, you might see this position and feel ki abhi game chal rahi hai, but the game has already been won by Adiban. We are looking this in time travel, guys. Ye game Adiban jeet chuka hai. I can guarantee. Anand, exactly. Barua was the second, I think. Yeah. Is E takes DC in that? Yes, that was the threat in that position, Devanshu. Yes, that was the threat. Kush bhai tha. That is actually true, bhai. Did you have a winning GM? Yeah, I've won against many GMs, bhai. Yatin. Barua was the first IM, or was it Manuel Aaron who was the first IM? I think it was Manuel Aaron. I'm not mistaken. Akshay Kumar was the first GM, guys. Haan bhai. Debate that it. Akshay Kumar was the first GM, guys. Done. Vidit ko bolo, risk is the spice of life. Bhai, usko spice kahin aur se mil raha hoga, bhai. Tumhe kya stress hai, bhai? Uski marzi hai na. We can't force him. It's totally up to him, guys. Even I agree with this. Not go. Aaron was the first IM. Yes, exactly. I thought so too. Anand playing since almost 35% and still on top. Indeed, Arnav. Manuel Aaron, yes, he was the first time, I think. By the way, Black has played F6 and that means he's trying to go G5, I think. And trying to gain space. Adiban simply doubles up the rooks. The only issue with this approach is that if he exchanges both rooks, like Black has gained a lot of space. So I'm still not sure if he'll be winning. I mean, he has the extra pawn. So let's say ki main sare piece hata dun. Sab kuch hata dun main yahan se. So maybe Adiban is better. But I am not sure if he'll get that version. Vishy sir, kyun nahi khel rahe? Because he does not want to be world champion anymore. He has done it enough times, guys. Yeah, he played G5. He played my move G5. Sultan Khan first super GM. Super GM to nahi yaar, super GM to bolna mushkil tha. What do you make of Nihal's draw yesterday? Where he could have played F2, knight F3, F3 in the game. Isn't that choosing the safe route instead of trying to fight like Alirza? Chronic, it's possible his judgment of the position was either worse than the engine or better than the engine, because he would have seen F4, I'm sure. Maybe he just thought that the final position was still kind of equal and a bit complicated. And what happens is, sometimes if you miss a move, let's say Nihal kind of missed bishop takes h2, how serious it was, you kind of lose confidence in yourself and you feel ki draw mil raha hai to le lo. It's a practical decision because you are emotionally drained after looking. Maan lo aapne pata hi nahi hai bishop h2 aa raha hai, aapka opponent maar diya, like what the hell just happened, and then you're like, then you lose that you lose track of what is actually happening over the board. Your emotions take over. Sometimes in that position, draw is not a bad practical result. B3 nobody does it better. Karan, totally agree, bhai. Totally agree. White played F3 to prevent G4. Although I'm not sure if he should play E4. That would be a really, not a really bad move, but a bad move for sure. I think he should keep the bishop open because E4 ke baad knight G6. Knight f4 feels like a maneuver, so let's see what happens. Let's go to the next game, guys. Let's go to the game of Nihal once more and see what he's doing. Has he created some counterplay? By the way, we saw it till queen e3. He has played rook to e8, defending the pawn, and now he has played rook fc1. So the plan is to kind of prepare rook c7 at some point. And the question is, when does Black develop? So the problem is, Black wants to develop this bishop, guys.
But if he plays bishop to d7, then he has to be very careful. Right now, the pawn is defended. And in that case, he can play this move. But whenever he plays rook to c8, white can just take. And black cannot capture with the rook because e7 is hanging, forking the two pieces. So it's still a bit better for black, I would say. Krolik, yes, maybe he was aware, but we don't know. Not everybody can know all the openings. So I think if he was aware, if he had calculated, it's possible he might have played on. I think he missed the seriousness of bishop h2. I think so, at least. Baki, we don't know exactly because we did not have an interview with him. Knight f5 is possible, guys, but the knight f5, knight takes f5, bishop takes f5, b7 is hanging. And after bishop takes b7, rook b8, bishop c6, attacking the rook. Let's look at it. So, for example, let's say knight f5, knight f5, bishop f5, bishop takes b7, rook b8, and now bishop to c6 is a problem, attacking the rook, and you don't have time to capture on b2. So that is the issue here, and that's why I would say ki, this is not the best way to play. You should probably first play bishop d7, play moves like rook b8, and then start thinking about other moves. Yeah, should be exactly. Guys, you like the stream? Agar guys, agle 1 minute mein 700 like ho gaye, agar ho gaye by chance, agar ho gaye, to ek bande ghar pe garma garam samosa bhai, chutney ke saath, jaldi se bhai. Let's find out न्यूजीलैंड के लोग है क्या चैट में. देखते हैं भाई, देखते हैं. थोड़ा टाइम है उसमें भाई, अभी घंटा है. कैन यू गेट कवरेज लाइक यूएस चैंपियनशिप और इंडियन चैंपियनशिप? व्हाट डू यू थिंक? यतिन, इट विल हैपन फॉर श्योर. नेक्स्ट टाइम इट विल श्योरली हैपन. आई एम श्योर सागर भाई विल डू समथिंग एंड ही विल इन्वॉल्व समय इन दैट एज वेल, अनलेस समय इज हिमसेल्फ प्लेइंग. सो दैट विल हैपन. निहाल ड्रॉ मत करना, पूरा खेलना, आखिर में ड्रॉ कर जल्दी मत करना. बिल्कुल भरत जी, आई टोटली अग्री भाई. यू वांट टू सी निहाल प्ले एज लॉन्ग एज पॉसिबल. रुक बी एट कैन बी डन गाइस, रुक बी एट इज पॉसिबल. ऑल्दो द इशू इज आई वुड फर्स्ट लाइक टू डेवलप दिस बिशप, बिकॉज अंटिल आई डेवलप दिस बिशप इट्स ऑलवेज एन इशू. एंड द पॉन इज ऑलरेडी डिफेंडेड बाय द नाइट, दैट वॉज द पॉइंट ऑफ नाइट d6. सो इफ द पॉन इज डिफेंडेड देन मे बी बिशप d7 इज अ बेटर मूव. योर वॉइस लाइक विशी आनंद भाई, गला इतना खराब है तो ऑब्वियसली डीप हो गई होगी वॉइस भाई आज. क्या लगता है विल निहाल लास्ट लॉन्ग और नॉट? वेयर? सिग्मा स्टूडियोज? इन द गेम? या आई मीन श्योरली ही विल ट्राई टू प्ले अ लॉन्ग गेम. आई डोंट थिंक ही विल गो फॉर अ क्विक ड्रॉ. राहुल, वो दिया हमने रचित को बिकॉज ही वन द लकी ड्रॉ. So I think after rook c1, 37 guys. Let's go to the next game. Let's go to the game of Adiban. I'm still curious about this game because Adiban is on one of the last boards. I really want him to win, but to be honest, right now black is doing really well. I like his position. He can play rook d7, he can play c5, he can play knight g6, knight e5, or if white were to play e4, then knight f4. So I like black's position, although Adiban has some hidden potential here. Because he has 4 against 3 on the king side and black's pawns are doubled. the selections will be on 2nd November, guys, for the server wars. Discord join kare. Waha pe aapko sari details mil jayengi very soon. I think I'll post the details tomorrow. G4 would not be good, guys. Yahan pe you have a light square bishop. You don't want to put the pawns on light squares. That will not be a good move. Black can just take also and also play rook h8, entering 2h2. So that's not the best. Nihal Sani's opponent was Petrosian. I forgot the complete name, but it was Petrosian. Let's go to Ronos game, guys. See how he is doing. We saw till bishop d5. His opponent played rook to d8. Kind of pinning this bishop. Agar yahan pe knight nahi hota. Oh, by the... Oh, I... Mujhe heart attack aa gaya, bhai. वो मैंने ही गलती से क्लिक कर दिया था. मुझे लगा उसने बिशप सी6 मार दिया एंड रुक d1 मेट मिस कर दी. थैंक गॉड. हे भगवान, ऐसे 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 वो इम्तिहान ना ले. बकरे बच गए भाई, बच गए भाई. सो व्हाई डोंट टॉप इंडियन प्लेयर्स प्ले इन नेशनल चैंपियनशिप कंट्रास्ट टू द यूएस एंड रशियंस? बिकॉज द प्राइज फंड गगन, द प्राइज फंड इन द यूएस चैंपियनशिप इज लाइक
$30,000, $40,000. The first prize itself is like $30,000. In India, it's like, I think, $5,000 the first prize. And they will lose a ton of rating. The US Championships is very strong among 10-15 players. India mein har koi khelta hai. They can literally be facing a 1700 in the first round. That's not what they want. So rook d8 ke baad, I think white can just develop the bishop. Probably bishop f4, defending the pawn, looks logical. So Zorok is doing really well. I like Zorok's position a lot because after rook b1, bishop f4, I think he's clearly holding on to his extra pawn for now. And also exerting pressure. Agar abhi ye knight nahi hota to bishop d5, bishop f7 tactic hoti, but knight hai luckily for black. So let's go to the game of Hari Krishna. 9-1, itna bhi price fund nahi hoga bhai ki $1,95,000 ka. Waise ho bhi sakta hai, kuch bharosa nahi hai. So far no results guys. You gave us a heart attack too. Bhai, mein khud ko heart attack ho gaya bhai. By the way, light chalegi guys. Abhi andhera ho jayega. Koi na koi likhega bhai bhootiya assist. Abhi aayegi light bhai, ek second mein aa jayegi. National mein to samay bhi khela tha. Exactly bhai, samay bhi khela tha. And that tells you ki koi bhi khel sakta hai. And uski wajah se it's like maybe they don't prefer to play. Aagayi bhai light, aagayi yaar. बिजली आई है, बिजली आई है. सो वी आर बैक एंड सो आफ्टर किंग h1 नाइट टू e5 एज डिस्कस्ड, नाइट f5, बिशप f5, ef5, रुक टू e8, इट्स वाइट टू प्ले. हरि कृष्णा इज लाइटली बेटर आई वुड से बिकॉज ही हैज डेफिनेटली सम प्रेशर. ऑल्दो द एफ फाइल इज ब्लॉक्ड, it's not a permanent block because at some point this knight can be forced to move. Nashik mein ho kya bhai? Nahi bhai, Nashik mein nahi hai bhai. Internet India mein bahut jagah ka bekar hai bhai. Anuruj ji, I live in sector 45 man. Hi bhaiya, how are you? I'm fine man, how are you? So let's go to the game of Prag once guys. Prag ki game dekhte hain. In Prag's game nothing has happened. Only after knight a3, rook to b8 was played. This is a prophylactic move trying to prepare b5 long term, not committing to anything else because he's not yet sure where the bishop should go. Should it go to e6? Should it go to d7? So that's why he's keeping the bishop flexible. On the other hand, Prague is slightly better, of course. He can develop his bishop now, or he can play rook to b1 himself. Tikku looking smarter than ever. Thank you, bhai. भाई समझ से मिल गया मैगी के फॉर्म में. अरे बढ़िया भाई. टिक्कू आर यू मैरिड टू तानिया? व्हाट द फक वाज दैट? लव योर कमेंट सर. थैंक यू प्रणव जी. आज मेरी एनर्जी थोड़ी लो है बिकॉज माय थ्रोट इज रियली स्ट्रेन्ड आउट राइट नाउ टुडे. आपको क्या लगता है कोई इंडियन रहेगा टॉप टू में? लेट्स होप सो कुणाल, लेट्स होप सो मैन, लेट्स होप सो. इट्स डिफिकल्ट बट पॉसिबल. So Nihal has still not played guys, still not played. Prag somehow ends up in complicated position where only one can win, and Nihal seems ending in drawn position. Kunal, true, but Nihal had a drawn position earlier also and he managed to convert it. So I still have faith he can do something here. Although I think as Nihal's coach mentioned, Srinath Narayanan, that like a draw is the most likely result. I agree with that. But if anybody can convert this, it's probably Nihal. What could black do here to convert? I mean, at some point you've cleared imbalance. Probably picking up the b2 pawn for the e7 pawn, or picking up the e2 pawn for the b7 pawn, or maybe looks difficult though. So it's very important day for Nihal. Yes, true. Yes, Himanshu, true. That's a huge difference. That's a huge difference. Exactly. अरे अपना B3 का शेयर क्या खेल रहा है भाई? बस भाई कितना एड्रेस स्पैम करोगे भाई? छोड़ दो भाई. छोड़ दो भाई अंकुर जी. I am stuck at 15 for 2 months. What to do? Work on your tactics, Anirudh.
can also check out the courses on our website. They're pretty good. They will definitely help you improve your rating at least by 100 or 200 points. फिरूजशाह, अरे हाँ भाई, फिरूजशाह की गेम देखते हैं भाई लोग. फिरूजशाह क्या कर रहा है? And after 92, अरे भाई फिर लाइट गई यार, कमाल है. Kunal, true, exactly. The number of players are low. Do you think Chesscom India should stream this? Divyanshu, maybe they're not streaming because it directly would clash with the main broadcast on chess.com. Maybe that's why they are not streaming. भाई लाइट को क्या हो गया आज? आज तो लाइट के मूड स्विंग्स ही मूड स्विंग्स हैं. किसी ने तो पूरा मूड खराब कर दिया भाई. किसने मूड खराब कर दिया है? लुक्स कूल विदाउट लाइट्स. इलेक्ट्रिसिटी बिल भरो. नहीं भरेंगे भाई, हम करेंगे रिवोल्ट. हम कहेंगे हमें अच्छे दिन चाहिए, हम लाइट के बिना हमें चाहिए भाई. हैलोवीन स्पेशल, अरे हाँ भाई, डेफिनेटली. सो आफ्टर 92 गाइस, बाय द वे गाइस, अ क्वेश्चन फॉर यू. व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ 92? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ 92 गाइस? व्हाट डू यू थिंक वाज द पॉइंट ऑफ 92? कैन एनीबडी टेल मी इन द चैट? बाय द वे गाइस, स्ट्रीम लाइक कर दो जल्दी से भाई. लेट्स गेट टू 800 लाइक्स. एंड इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, डू हिट द सब्सक्राइब बटन, बिकम अ पार्ट ऑफ द फैमिली गाइस. मजे करेंगे साथ में. F4 लिख रहे हैं बहुत लोग. F4 इज प्रॉब्ली नॉट द प्लान. आई एम नॉट श्योर इफ व्हाइट वांट्स टू प्ले F4, बिकॉज इफ F4, ब्लैक विल जस्ट टेक एंड प्लॉन्ग द नाइट ऑन E5, एंड दैट कैन नाइट कैन नेवर बी टच्ड बाय एनी अदर पॉन. सो आई डोंट थिंक दैट्स द प्लान. मेनी आर सेइंग B4. नाउ B4 कुड बी अ प्लान, बट नाइट टू D2 का अलग ही प्लान है कुछ. यस, मेनी पीपल आर करेक्ट. इट इज नाइट टू B1, नाइट टू C3 एंड नाइट टू D5 गाइस. इंडीड, दैट इज द प्लान. यस 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 इंडीड. एंड ऑल्सो डिफेंड द E4 पॉन फॉर नाइट C5, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. बट नाइट B1 कुड बी वन आइडिया, वन इम्पॉर्टेंट आइडिया. नाइस, यस. टूनिश D5, यस रुपेश, नॉट D4, D5. यस देवोजीत, एग्जैक्टली. And let's go to Caruana's game. Caruana's game looks very crazy to me. I don't know why this is so, but why this is so? Caruana basically so. Yes, but yeah. So David Howell is taking a lot of time here. Levon's game looks slightly better for Oparin. I don't know, guys. Levon is not playing decent chess in this tournament. ऐसा लग रहा है मैं भी हरा दूंगा Levon को. मतलब ऐसा लग रहा है मुझे. Like he's drawing winning positions, he's losing drawn positions. I don't know what's wrong with Levon here. He's such a great player. Something is wrong with him in this tournament, just like Adeban. And Hari Krishna's game, nothing has happened, guys, since Rookie 8. Let's go to Sasikiran's game. Oh wow, this is crazy. So after Bishop B2, Castle C3, A5, B5, F5 was played. Now that's a very crazy move. Wow. Really surprised by that move, to be honest. Because it kind of feels you're weakening your king a lot. I'm not sure about this move. This definitely feels like a mistake. Although I'm confused. Should I capture on D5? Should I play E5? It's not entirely clear. It's a bit confusing. Padmini game, please. We'll have a look at the female board as well, Vishal, very, very soon. Let's go to the game of Gukesh. In Gukesh's game, I think Nawal is a bit better. He has this very strong bishop on B3. He can play D4, and that means after D4, CD4, CD4, ED5, he has E5 at some moment. And that should give him some sort of edge. And he has played D4. He has played D4. Badiya, yeah. Badiya. definitely. Is Nihal playing Hikaru in some events? Mr. Tour 2, I'm not sure. Right now, it's not clear. Right now, Nihal is playing Grischuk in the SEC event. Yes, Meet, I know. India's New Zealand is 7:30. Yeah. Abhi time hai tak. Nihal game, bahut log bol rahe hai. Aisa kya ho gaya? Nihal is low on time, but guys, this is enough time. I mean, his opponent has used minimal time, I know, but considering 17 moves have passed, like almost half the moves have passed and he has used limited time. So I think Nihal is
not under any sort of pressure here. This is all fine. 52 minutes are a lot, yaar. They are a lot. Main focus should be on Nihal's favorite. Yeah, Shakti. True. Friday master hai. Ye lo bhai, maza le liya bhai. After round 11, 2-3 players ke same points hoge. Then tie break hoga, Kunal. Tie break se bata jaye kaun jeetne wala hai. Queen b4. Queen b4 ke ka idea kya hai? Guys, I'll tell you one thing. When you think of a move, for example, it's a queen b4. What's the idea? You want to capture on b2, but are you developed enough for that move? Black white can just play b3 and then what do you do? And then white will gain another tempo with a3. So when you play a move, be very cautious about like the long term effects. Matlab immediate aisa hota hai na ki matlab wo jaise wo insaan pets ke samne wo aise wo monkey ke samne banana rakhta hai ya donkey ke samne and it keeps moving even though it never gets a donkey. So hame thoda sa long term sochna hai. That's the advantage of the human species. We can plan long term. And that's why after queen b4, b3, there's nothing else. That's why be very careful. Be very careful what you're playing. David Navara equal to Sahil Tikku. Tikku with slight edge. Lols. Dangerous example. I know why, but theek hai, matlab, aisa kuch nahi hai. I've also made such mistakes, bhai. I've also made such mistakes. Insights of Nihal's game. Wohi main bol raha hun. So I think, first of all, you need to develop your pieces. As you can see, White ke sare pieces developed hai. Okay, rook on a1 is not developed, but it will be developed very soon. Maybe something like this. So all white pieces are developed. Ab black ko develop karne apne pieces. So I think, and because the pawn on b7 is defended, bishop d7 makes a lot of sense here. And then trying to think what next. Because pehle aapko bishop develop karna hai, uske baad sochna hai. Yeah, guys, I also hope Nihal managed to win. Adivan blunder. Bhai, ye pakka scam lag raha hai. Uski position mein aisa kuch hai nahi blunder karne wala. Pakka scam hai, bhai. Knight f5, we already discussed, guys. It's a blunder because takes, takes. Bishop takes b7. Rook b8, bishop c6. advice of breakup. Bhai, dusri pata lo jaldi se. That's the only advice I can say. Maitra mat karna, bhai. Ki, bhai, sahi wali ka intizar. Dusri pata lo, bhai, bahut jaldi move on kar jaoge. Is b6... Yes, b6 is an excellent move, guys. But for your opponent, so you should call an ambulance. But for yourself in this case, so e5. Let's look at e5 now. E5 is a decent move. You can play e5 here, but the thing is, yahan pe your knight is somehow hanging now. Ye hawa mein latak raha hai. Like it has no protection anymore. So that's why I would say ki filhal ke liye pehle bishop develop karo, baad mein sochna e5 ke bare mein. It's a possible move for sure though. Everybody is playing tomorrow, of course. Guys, this is not a knockout event. Every chess player plays all the games. Khel diya e5 usne. Really? He played e5. Wow. I'm surprised. I'm honestly surprised by this. I'm surprised. I guess his plan is to play bishop f5. That's the plan. But it definitely leaves the knight on d6 a bit hanging. So I'm not sure if this was the best. I can read your messages, Jyotinjay. I can read your messages. Guys, do like the stream. Agar akle 1 minute mein 800 like ho gaye, to bhai garam garam kachoriya bhai ek bande ghar pahunchengi bhai jaldi se. Agle 1 minute mein 800 like hone chahiye, lekin agle 1 minute uske liye. No, I am not appreciating it. I still think it's not the best move because the knight on d6 is a bit loose now. If white does nothing, maan lo white aram se queen, knight wapas lele, phir h3 khele, phir king h2 khele, all good. But I think if white plays the most active moves, then it's like it's probably would be a bit of pressure on Nihal because this knight was defending the pawn. That's why you could do the bishop, but now it's not defending. ये कोई तरीका है वीक मांगने का भाई? ऐसी तरीकों से वीक मांगते हूँ. आई गॉट माई कचोरी. देखो भाई, नमन जी को मिल गई भाई. देखा जो शक कर रहा था भाई. स्लैप ऑन योर फेस. व्हाई क्वीन बी सिक्स इज बैड इन दिस पोजिशन?
Queen B6 is possible, but what does the move do? That's the question you have to ask yourself. Like, what is the point? Again, as I said, White can always just play B3, and what else? What do you do now? I don't see it as the best move. It's possible, but not the best. So, let's go to the game of Prague, guys, and see how he's doing. अपना छोटू प्रग कैसा कर रहा है. सो वी सॉ टिल नाइट टू A3 एंड रुक B8 एंड नाउ ही प्लेड बिशप टू A2. एज आई मेंशन द नाइट वॉन्ट्स टू गो टू C4 अटैक द क्वीन. सो ब्लैक लॉजिकली प्रीएम्प्ट्स दिस एंड नाउ वाइट प्लेड बिशप टू G5. सो ही इज डेवलप्ड हिज फाइनल माइनल पीस एंड नाउ ही कैन नाउ दैट द बिशप इज आउट ऑफ द वे ही कैन समटाइम्स इवन गो नाइट C4 नाइट E3 एंड द बिशप इज नॉट ब्लॉक्ड. समथिंग टू कीप इन माइंड. इफ या क्वीन B6 पॉसिबल पॉसिबल पॉसिबल. रिकेश थैंक यू मैन थैंक्स थैंक्स अ लॉट. स्लैब भी पुचुक साउंड सब पुचुक होता है भाई यहाँ पे. जितने जाए फॉर 1700 रैपिड और ब्लिट्स. इट डिपेंड्स. इफ यू आर 1700 रैपिड देन आई वुड से गो फॉर द रेटेड कोर्स. इफ यू आर 1700 ब्लिट्स देन आई वुड से गो फॉर द एक्सपर्ट कोर्स. फाउंडेशन कोर्स विल बी अ बिट स्लाइटली इजियर फॉर यू. आई थिंक यू माइट लर्न समथिंग बट यू कैन लर्न मोर. हमें कचोरी नहीं समोसे चाहिए भाई. 900 लाइक पे समोसे कर लेंगे भाई. रैपिड देन यू कैन गो फॉर द रेटेड कोर्स. आई थिंक इट हेल्प यू मोर. यू कैन गो फॉर द फाउंडेशन कोर्स बट इट्स यू माइट नो सम ऑफ द थिंग्स बिफोर हैंड. आई एम एफएम कैन आई प्ले लाइक निहाल. नो इवन जीएम्स कांट अनफॉर्चुनेटली. समबडी सिंग हरी कृष्णा विनिंग. प्लीज डोंट बी अ स्कैम. प्लीज नो स्कैम्स. प्लीज नो स्कैम्स. हरी कृष्णा प्लीज प्लीज बी विनिंग. And it is a scam, of course. What can I expect from my chat? Scams only. Aniruchi, आपको टाइम आउट देने का बहुत मन है. मैं आपको रोक रहा हूँ अपने आप को. कुछ हुआ ही नहीं है हरी की गेम तब से. शाबाश बेटे शाबाश. अमिल चेसेबल कोर्सेज आर टू एक्सपेंसिव मैन. दे आर जस्ट टू एक्सपेंसिव. यू कैन बाय देम विदाउट द वीडियो कोर्सेज बट देन वॉट्स द पॉइंट ऑफ बाइंग अ कोर्स इफ यू कांट हैव द लाइक द गाय इन द वीडियो एक्सप्लेनिंग टू यू. सो आई वुड से इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर कोर्सेज our courses are really good or if you want proper video courses and openings go for chess based courses. They are much much cheaper and much more efficient than any sort of sagar shah ticket ki bhai main chess based ki tareef hi kar raha hu. I have bought my own many times I've bought chess based courses. They are amazing amazing dvds. Chess India pe jao aur wahan se khareedo. Chessable courses are too expensive unless it's Anish Giri then anything is worth it. Apart from that no go for it. Don't go for that. अरे सुदर्शन जी वेलकम टू आर बीइंग अ मेंबर. स्पाइडरमैन अपने पावर्स का इस्तेमाल ढंग से करें. विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपकी जो नई पावर आपके आई है मास्क जरूर पहने कोविड के लिए भी और अपने क्लोज लोगों वालों को सेफ रखने के लिए भी. माई कोर्सेज आर ऑन chessassist.com गाइस. आई थिंक कमांड से मिल जाएगा. लेट्स गो टू द गेम ऑफ गुकेश बिकॉज लोग कह रहे हैं कि गुकेश इज वर्स. अरे बी स्टैट्स भाई कहाँ हो भाई. चैट आपको ढूंढ रही है भाई कुत्तों की तरह ढूंढ रही है भाई. मुझे कितने लोग कह रहे थे भाई पूछो बी स्टैट्स से कहाँ हो कहाँ हो. मुझे लगा भाई आप बिजी हो गए उसमें भाई. धनंजय आई एम द वन टीचिंग. इट्स मोर लाइक अ इंटरैक्टिव बुक. कैसे हो भाई. बी स्टैट्स ओपन द चैट भाई. लेट्स गो. आपकी शक्ल के लिए भी माई रेटिंग इज 1800 इन ब्लिट्स. Neela, you can go for the expert course. That will definitely help you reach at least 2000. I can guarantee that. Arjun ka game dikha do. So guys, we're looking at Gukesh's game right now. Gukesh is definitely worse. White can push d5. And he will have a protected pass pawn. I mean, what else do you want as white? Nothing else. It's looking really good for David Nawara again. Nawara defeating Indian players since 2021. Let's go for the game of Eddie Gaisi Arjun. Because I think BSS ko bulao guys. Aaj bulane ka fayda nahi hai because I'll end the stream at 7:30 because I think bahut logo ko match dekhna hoga. So isliye aaj bulane ka fayda nahi hai. Kal bulaunga if he's tabiyat kharab hai. Okay. Rest karo bhai rest karo. Mera khud ka gala bhi kharab hai bhai. Mera khud ka gala bahut kharab hai. So I can totally feel you bhai. Rest karo bhai. So guys, we're looking at the game of Guraj Kina. By the way guys, BSS ka, as I mentioned before in the stream, server wars ho raha hai. Teen player chahiye bhai. Valo, Chess, JKLM. Agar aap teenon mein se kisi bhi game mein strong ho, hamara Discord join karo. We will tell you all the information there. Hamare selections hone wale hain 2nd November ko. So kal information aa jayegi and parso we'll select.
कोर्सेज क्या, कोर्स का यार वेबसाइट जाके देख लो हर्षित, chessis.com पे जाके। सो गाइस इन दिस पोजिशन इट्स एरिकेसी अर्जुन अगेंस्ट गोरेचकीना, एंड गोरेचकीना इज द ओनली फीमेल प्लेयर हु इज प्लेइंग इन द मेन सेक्शन, एंड शी डेफिनेटली डिजर्व्स इट। I think clearly, as you can see, she has put the pawn on b4. She's attacking on the queen side. So, yeah. But the position is very complicated. Both sides have attacking chances. Nihal ka game. Nihal ka game. Yeah, open section. True. By the way, somebody said Harika is winning. Please don't be a scam. Phir main game sunna ban kar dunga. Bhai, kabhi to sachai bolo chat. Kabhi to sachai bolo. कभी तो सच्चाई बोलो। अरे चैट सच बोला भाई, हरिका इज बेटर। सो रूक e6 वी सॉ, शी प्लेड b4, क्वीन d7, नाइट f1, d5, क्वीन c2, रुक d8 एंड नाउ b5, एंड इनडीड हरिका इज अ बिट बेटर गाइस। शी हैज गेन्ड स्पेस ऑन द क्वीन साइड। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ प्रग्स गेम दैट वी सॉ अगेंस्ट डेविड हावल। ही ऑल्सो पुश्ड पॉन्स लाइक दिस। 69th scan of the day. नहीं भाई, गोरेचकीना बॉस, बिल्कुल भाई। गोरेचकीना जब स्टेयर देती है ना भाई, मतलब रूह कांप जाती है भाई ओपोनेंट की। एनीवेज लेट्स, उसकी उसकी 50 पॉइंट रेटिंग तो सिर्फ उसकी स्टेयर की वजह से है भाई। लेट्स गो टू द गेम ऑफ निहाल अगेन वंस मोर गाइस। सो गाइस आफ्टर रुक f c1, निहाल प्लेड e5, ही प्लेड नाइट f3 एंड नाउ क्वीन टू b6। Guys, I have a question for you. Usually we don't allow this queen b6, but why is queen b6 a good move here? Like, why do you think is queen b6 a good move here? What do you think, guys? Let me know. course for 1315 rapid. Harshit, for you, I would recommend. I think it's kind of confusing. You're right in the middle of the foundation, the rated courses. So if you feel your basics are very good, go for the rated course. If not, go for the foundation course. You're right in the middle. But you'll probably learn more with the rated course. That's one thing. Yeah, the A file is open. That's true. But that was true beforehand also. But the main thing is, after queen b6, a b6, the pawn controls the knight. The pawn controls the knight. That's also an important element. Agar maan lo, white ne knight yahan khela hota c2 pe, then suddenly maybe queen b6 is not the best move. Kitna halka sa difference hai dekho. Now white can take ab6 and play knight to b4, and he is going to d5, putting pressure on b6. So yeah, halka sa difference hai, and isse white would have been much better. That's the main thing. So because white played knight to b3 and now queen b6 takes, and now the knight is dominated by the pawn, and that's why it is a good move. Nihal knows his stuff, man. And I also came up with this on my own. So, bhai, main bhi sahi khel raha, bhai. Shout out to me. Don't go for any course. Solve puzzles. Harshit, puzzle solve karne se kuch nahi hoga. I can totally mention you. The best case scenario is hire a personal coach. That's the best case scenario. You will learn the most through a personal coach. If you cannot afford it, because personal coaching can sometimes cost 1,000, 2,000 an hour. It's that expensive. Go for courses, because that is the second best thing. real best, they will last as long as you want. Lifetime to nahi hoga, because I will basically keep updating the courses every couple of years. So I will remove the old course, add the new one. But they will last as long as you want. Ek saal maan ke chalo. That's a good assumption. Thank you, Bharat ji. Real best, 1 year. 1 year maan ke chalo, that's a rough estimate. Nihal Fruzat. Guys, if Nihal wins today, he could possibly face Fruzat tomorrow. So let's hope so. Bottle mein price tag laga hai? Nahi bhai, koi price tag nahi hai. 100%. By the way, Nihal's opponent has indeed taken on b6. A takes b6, and it's Nihal's opponent who's thinking right now. Although, guys, I have to kind of say this looks like a draw to me. I don't know how Nihal will win this. looks very unlikely.
Legend, I totally agree. I agree with you. Tactics is something which puzzles will help you with. But in the end, middle game, end games, openings, I think courses are good for that. although we do have tactics also in our course. Nihal's question is drawn. I kind of agree with you guys. I think this question is just completely drawn. I don't know how Nihal can create any sort of play here. I can just play a3 and there's no counterplay. Yeah, this is like a draw, guys. I am still hoping against hope Nihal wins this, because if he wins this, the Kalka match Firuja se lagega yaar, kitna maza aayega bhai. Let's look at the game of Firuja, guys, by the way. After knight to knight c5 was played, and he played rook e1, f5, takes, and now it's he has captured queen f5. Shankdeep, time out mat do bhai. Guys, ab se ek naya rule hai. Unless somebody abuses somebody ya wo 50 crore baar spam kare, no timeouts. Ye rule rakh lo, jo timeout dega usko unmod kar diya jayega. Aaj se naya rule. Blitz is tough or rapid? Which is toughest format? I would say it's blitz because you have less time, but it's tough for both. So technically it's kind of still fair. Ankur ji, haath jod raha bhai. Guys, do like the stream. Let's get to 900 likes as quickly as possible. And if you are here for the first time, tumhari family mein shamil ho jao, subscribe button daba do. Are sorry ki baat nahi hai, chill. Time out nahi karna hai, seedhe ban. Nahi nahi, restart bhai. Kal actually kaafi ban mil gaye the. To ek do log keh rahe the, bhai mujhe bahut time out mil raha hai, to maine kaha bhai ki itna kam kar lete. Apna neta kaisa ho, Sahil Tikko jaisa ho, bhai ye Sahil Tikko kaun hai lekin? अपडेट ऑन टॉस क्या हुआ भाई, पहले बैटिंग कौन कर रहा है भाई इंडिया न्यूजीलैंड में? एक पोल करते हैं भाई, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड. चलो भाई, गाइस मेरा गला बहुत खराब है, सॉरी आई एम नॉट एबल टू पुट आउट एज मच एनर्जी, मुझे माफ करना भाई. यू कैन नॉट इंप्रूव चेस बाय जस्ट प्लेइंग अनिरुद्ध. यू नीड टू लर्न, एनालाइज योर गेम्स. At the very least, analyze your games at least by yourself with the help of an engine. At the very least, if you don't have a coach, cannot go for any other things, I think that's the bare least you have to do. Just playing will not help you. I think f3 was a decent move, but I think black can play knight to d3 here. That is definitely getting to the white's heart, you know, like kind of knight d3 and knight f4. So I think I like the position of Veselin Legrave here. He definitely has a decent position. कॉल बी सच गाइस, अभी फायदा नहीं है, उनकी तबीयत भी खराब है एंड साढ़े सात स्ट्रीम बंद करने वाले हैं. सो इसलिए आज नहीं, कल अगर तबीयत ठीक हो कल बुलाएंगे. आई डोंट वॉच क्रिकेट बाय द वे गाइस, इवन आई डोंट, बट आज मैं एक ट्राई दूंगा, आज एक ट्राई देने वाला हूं मैं. आज एक्चुअली मेरी मॉम का बर्थडे है गाइस, सो दैट्स व्हाई आज उनके साथ बाहर बैठ के मैं देखने वाला हूं. लव यू साहिल भाई फॉर दिस रूल. आपको क्या पता इन लोगों ने कितनी बार फालतू टाइम आउट दिया है. अरे तो अब नहीं मिलेगा भाई, चिल करो, अब नहीं मिलेगा. Are any tournaments to gain official fit rating? Yes, guys. There are fit tournaments happening in November in Hyderabad, in Tripura, and other states. Jahan pe aap rating bana sakte ho apni. Agar aapko fit rating chahiye, AICF.in pe jao and wahan pe dekho. So, thanks a lot, guys. Main unko convey kar dunga information ki bhai chat bol rahi thi. Arre, thanks a lot, guys. Achha laga hai, this chat, which is meaning. So, न्यूजीलैंड हैज वन द टॉस एंड ऑप्टेड टू फील्ड. अरे नाइस. हरिकास गेम इज वेरी इंटरेस्टिंग गाइस, बट आई थिंक द थिंग इज इट्स गोइंग टू टेक अ व्हाइल. देयर इज लॉट ऑफ टेंशन इन द सेंटर एंड इट डिपेंड्स ऑन हू कैप्चर्स. इज व्हाइट कैप्चर, डज ब्लैक कैप्चर, इट्स ऑल सस्पेंस राइट नाउ. थैंक्स लॉट गाइस, धनंजय, चेसडी, एवरीबडी एल्स, एवाश, एवरीबडी एल्स, थैंक्स लॉट गाइस. मैं मॉम को बता दूंगा भाई, इतने सारे लोग विश कर रहे थे यार, उनका मूड ही बन जाएगा. एंड यो नीरज, व्हाट्सअप सक्षम भाई, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मॉड्स को टॉन्ट करना स्टार्ट कर दोगे भाई. मतलब इट शुड बी अ टू वे स्ट्रीट, नोबडी इज ट्राइंग टू इरिटेट एनीवन. एक काम एटमॉस्फेयर है भाई, बिल्कुल ऐसा काम. सो लेट्स गो टू द गेम ऑफ निहाल गाइस, बिकॉज वेल वी लव निहाल.
मैं वुमेन सेक्शन में निहाल का नाम क्यों सर्च कर रहा हूं? सो गाइस व्हाइट प्लेड बिशप टू डी5. नाउ दैट्स अ वेरी गुड मूव बिकॉज व्हाइट कैन ब्लैक कैन समटाइम्स जस्ट प्ले ई4 एंड ब्लॉक दिस बिशप. सो बिफोर निहाल कैन प्ले ई4 ही प्लेज बिशप टू डी5 ताकि निहाल का कोई खेले भी तो ये कहे भाई मैं तो अपने घर से बाहर आ गया, आप तुम घर पे ताले लगा दो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता. सो बिशप इज कम टू डी5, इट्स अ वेरी गुड स्क्वायर, कैन नॉट बी अटैक्ड इजीली, ऑल्सो पुट्स प्रेशर ऑन बी7. सो वेरी गुड मूव. थैंक्स भाई अमन, थैंक्स अ लॉट मैन. गाइस स्ट्रीम लाइक करो भाई, अगर स्ट्रीम के 850 लाइक हो गए भाई अगले एक मिनट में तो एक बंदे घर पे एक मिठाई का डब्बा हल्दीराम का भाई दिवाली के मौके पे. जल्दी से भाई लाइक कर दो भाई जल्दी से. हरी वर्ष रियली, वील हैव अ लुक, वील हैव अ लुक, वील हैव अ लुक. सो लेट्स गो टू हरी गेम गाइस. हरी इज प्लेइंग डैनियस वर्स, डैनियस वर्स, एंड आई डोंट थिंक हरी इज वर्स हियर गाइस. आई मीन मे बी ही डिड नॉट प्ले द बेस्ट मूव हियर बट आई थिंक इट्स जस्ट रफली इक्वल. ब्लैक विल प्रॉब्ली प्ले अ मूव लाइक क्वीन बी6 एंड व्हाइट विल प्ले रुक बी1 एंड द गेम गोज ऑन. इट्स जस्ट रफली इक्वल. दिवाली के नाम पर स्कैम मत करो. थैंक्स लॉट भाई यश, डोंट लाइन द नेम ऑफ दिवाली. चलो भाई दिवाली का नाम यूज नहीं कर रहे भाई, टिपिकल चेसेस मिठाई स्कैम भाई. मैं मिठाई आज खा के घर पे पड़ी थी भाई, मैंने खुद खाई है भाई. हरी या बट माइनस पॉइंट टू इज नथिंग गाइस, माइनस पॉइंट टू हाथ का मैल है भाई, वो वापस कवर अप कर लेगा बंदा. लेट्स गो टू द गेम ऑफ शशिकिरण. शशिकिरण प्लेड ई5 एंड आफ्टर ए4 ही प्लेड नाइट टू एफ4. And I definitely like his position. He can also push h4 sometimes to prevent g5. Bishop can go to d3 or g2 depending on his mood. And he can castle on the king side, start attacking maybe. Sahil bhai, mere ko timeout diya. Bhai, timeout mat do yaar, please. Bhai, timeout nahi diya kisi ne. Kisi ne timeout nahi diya, bhai. I don't see any timeouts there. Mujhe dikhega, bhai, kisi ne timeout diya hoga to. Mr. J.O.D. Prak ko dikhao. Prak ko nahi, bhai. Prak ki game dikha sakte hai, bhai. Prak ko nahi dikha sakte. Let's go to Prak's game. We saw it till bishop g5 guys. Since then black played b5, gaining space. Typical idea when you have more pieces on the queen side. A takes b5, opening up the a file. Knight to c2, and it's black to move. And I think knight will go to e3 now. It's very obvious. Fight will. By the way guys, I have a question. I have a question for you. Let's say black plays h6. What do you play? Do you capture on f6? Or do you come back on h4 or on e3? Like, matlab e3 maan lo ya f6? What is the best move for white guys? Wizard of Toss has 80-90% winning odds in this tournament. Yeah, difficult for hard India. Aditya, I think wo 80-90% agar hai to it's all just a matter of probability. So wo even out ho jayega. Yes guys, you have to capture. Because first of all, you need the e3 square for the knight. First of all. The bishop is not well placed on h4. It can be kicked back with g5 at the correct moment. It's also not well placed on d2 because looking at a pawn. And once you capture bishop f6, bishop f6, you can play knight e3 and play like the Sicilian. Yeah? Jaise hum knight off mein dekhte hain, white plays bishop f6 and then plays knight d5. This is very similar to that opening. And that's why this bishop is really bad, blocks by its own pawns as Blaze mentioned. And this is definitely better for white. So that's why if black plays h6, Prag will just capture on f6 and play knight to e3 and will have a very good position. Yes, the bishop is blocked. Indeed, guys. By the way, I'll show you. I constantly show this because you will play OTB chess at some moment. See how focused Firuja is. Like, the only part of his body that's moving is his eyes. Baki sab bilkul aise, you know, like, there is no muscle movement. Like, so focused at the game. So concentrated, it's crazy, it's crazy. No wonder he's so strong. Direct capture because h6 will waste a move for black, so that is definitely a better version. Black ko ek move waste karne do. Let's go to the game of Adiban guys. We should get up to date on that game. We saw it till I think g5 guys. Since then many things have happened. F3 was played, b6, bishop c2, rook d2, rook d2, rook to b8, bishop to d3, king to f7, and now it's Adiban to play. Itna still hai abhi, jaake statue bana do, bilkul bhai.
सक्षम भाई पता नहीं कौन सा मैसेज डिलीट किया है. लव मॉर्स टेलिंग ओनली बैड मूव्स. ट्रोल मत करो मॉर्स को भाई सक्षम जी. दैट्स व्हाट डिलीट किया होगा. गाइस लाइक द स्ट्रीम, लेट्स गेट टू 900 लाइक्स एंड इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम डू सब्सक्राइब द चैनल गाइस, बिकम अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली. मजे करेंगे रोज. तुझे सुंदर लग रहा है, मैं जाके पोर्ट्रेट बना लेता हूँ. भाई आते ही क्या इतनी अच्छी ड्रॉइंग. आपने विषयान को देखा है क्या लाइव? हाँ भाई लाइव स्ट्रीम पे देखा है मैंने, ऐसे नहीं देखा यार. पन्नाली बहुत बार मिल चुकी है भाई, उनके तो चड्डी बड़ी ऐसा है पन्नाली के नाव विशी सर. बस एडी किसी आयम से ना हारे भाई, ये तो है यार. आयम से आई डोंट थिंक ही लूज दिस. इफ एनीबडी कैन विन दिस इज आई थिंक एडी, बिकॉज गाइस इट्स वेरी क्लियर ये जो डबल पॉन्स हैं दे आर यूजलेस इन अ पॉन एंड गेम. वाइट कैन थ्रॉप दिस फोर पॉन्स विथ हिज थ्री पॉन्स एंड देन ही विल हैव दिस एक्स्ट्रा पॉन ऑन द किंग साइड. He can use this to kind of push it and then he will have a clear winning pawn end game. So I think AD is doing pretty fine. He's not winning, but he's slightly practically better. Let's go to the Nihal game, guys. Nihal OP bhai. We saw till bishop d5 and it's still bishop d5. Nihal is still thinking. One move that comes to mind is bishop to d7 again just to develop. Or he can also play rook to d8. Putting some pressure on this active bishop. That's one way to play it. Stick man running also. Arey, badiya said, bhai, badiya. Itni epic drawing. Are you married? Nahi, bhai. Ek baar hi GM ban jaye to usse wapas wo rank ho ja sakti. Nahi, bhai. Ek baar GM ban gaye to GM title is for life. Abhi course ki link de do. कोहली जी मैं देता हूँ यार, आपका नाम तो कोहली है भाई, आपके लिए तो भाई आप कुछ भी बोलो तैयार है, दुनिया तैयार है. निहाल की गैरी कर रहा है इंडिया की. निहाल की नाइट बॉट ने लिंक डाल दिया भाई. लव यू ब्रो, थैंक यू क्रिश भाई. हजार रेटिंग वाले के लिए बेस्ट कोर्स हजार ब्लिट्स की रैपिड अभिनव, इट डिपेंड्स ऑन दैट आई थिंक. शादी कब करोगे? जब वो सुंदर सी परी मेरी जिंदगी में आएगी भाई. ऐसा कुछ बोलने वाला था मैं, बट कम से कम दो तीन साल बाद यार, उससे तीन चार साल बाद में भी. जल्दी क्या यार, एक बार ही जीएम बन जाए तो उससे वापस वो रैंक नहीं बनी रहती. अगर हजार आपकी अच्छा बोर्ड लिसन रैपिड, आई वुड से गो फॉर द रेटेड कोर्स अभिनव. रेटेड कोर्स इज द बेस्ट. अगर हजार रैपिड है देन गो फॉर द फाउंडेशन कोर्स. मतलब मैं आपको बता देखो गाइस, अगर आपकी रेटिंग 500 से कम है गो फॉर द बिगिनर कोर्स, दैट इज फॉर पीपल हु डोंट नो हाउ चेस वर्क्स. अगर आपकी रेटिंग 500 से 1000 है देन गो फॉर द रेटिंग कोर्स ऑफ फाउंडेशन कोर्स, दैट विल हेल्प यू क्रॉस 1000. दैट कोर्स अलोन विल हेल्प यू क्रॉस 1000 रेटिंग. अगर आपकी रेटिंग 1000 से 1500 1600 है गो फॉर द कोर्स रेटेड कोर्स. अगर आपकी रेटिंग 1500 1600 से 2000 2100 है देन गो फॉर द रेटेड कोर्स. निहाल की लाइव रेटिंग इज slightly more than Adiban, I'm not sure. I think it's 2660, I think. Or 2659, something like this. Guys, bishop e6 is a possibility. But there's a problem with this. Can you find the problem, guys? Bishop e6, rook e6, what is the move white will play here? What is white's move here? Why is everybody talking about marriage here? Because har koi auntie hai chat mein, that's why. मेरी 2300 है उसके लिए क्या कोर्स है? उसके लिए कोर्स है कि आप कॉमेडी स्टार्ट करें सौरभ, आप चेस छोड़ दें. आपका अनफॉर्चुनेटली चेस में कोई फ्यूचर नहीं है. आंटी वर्सेस पिकाचू इज नाइस. या गाइस रुक टू c7 एंड सडनली वाइट इज बेटर. सो इट्स स्टिल नथिंग स्पेक्टेकुलर. आई मीन निहाल विल प्ले किंग f8 एंड रुक e7, बट इट्स वेरी क्लियर दैट ही इज फाइटिंग फॉर अ ड्रॉ, ही इज नॉट फाइटिंग फॉर अ विन. सो या इट्स पॉसिबल टू प्ले, बट Once you play bishop e6, you have to agree it's a draw. उसके बाद कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है विन का. सो यू हैव टू अग्री इट्स अ ड्रॉ. लेट्स सी व्हाट निहाल इज थिंकिंग. द कोर्स इज नॉट वन ऑन वन गाइस, इट्स काइंड ऑफ रिकॉर्डेड, इट्स वीडियोज, इट्स लाइक अ बुक. बुक की तरह है बट विद द मटीरियल विच यू हैव काइंड ऑफ लर्न फ्रॉम फॉर द पास्ट 10 years, प्रणाली और मेरा मिला के. सो इट हैज ओपनिंग्स, मिडिल गेम्स, एंड गेम्स, टैक्टिक्स, एवरीथिंग एंड सम वीडियोज एज वेल. मतलब देर आर Videos form like 1/3 of the course, roughly.
टूर्नामेंट आज नहीं, हमने कर लिया टूर्नामेंट भाई। थैंक यू दिवांशी भाई, थैंक यू। माई रेटिंग इज 1300। फॉर दैट आई थिंक रेटेड कोर्स बेस्ट है। कैन यू रेल, क्या होता है ब्रिंग, कह रहे हो क्या? बेस्ट डिजाइन अवार्ड इन अदिबान गेम। रियली, लेट मी चेक अदिबान गेम। आई एम नॉट श्योर दिस इज अ डिजाइन। आई मीन दिस इज अ नॉर्मल पोजिशन बाइक, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। आई डोंट नो वॉट इज द इश्यू हियर। प्लीज एक बार सब गेम्स राउंड अप कर लो। या गाइस, सो गाइस आई थिंक 7:30 मैं स्ट्रीम एंड कर दूंगा, बिकॉज आज वो है। प्लीज मेरे कोर्स सिसिलियन लेजेंड जी, सिसिलियन इज पार्ट ऑफ द कोर्स। सिसिलियन डिफेंस इज पार्ट ऑफ द रेटेड एंड द एक्सपर्ट कोर्स। अगर आप उन दोनों में से एक भी लोगे, आपको सिसिलियन उसके अंदर ही मिल जाएगा। इट्स डीप इनफ फॉर यू टू स्टार्ट द ओपनिंग। सो गाइस, मेरी बैटरी खत्म हो चुकी है। आई विल क्विकली चेंज द बैटरीज, गिव मी अ सेकंड। हाँ मुझे पता भाई, कैम बैटरी चेंज कर रहा हूँ भाई, डोंट वरी। व्हाट अबाउट निहाल, निहाल गेम क्यों गाइस, अभी देखेंगे निहाल की गेम। गिव मी अ सेकंड गाइस। सेवन थर्टी मैच देखोगे भाई? मैच मैं देख शायद देखूंगा आज, आफ्टर आई थिंक इयर्स आई विल वॉच क्रिकेट। सो आप देख रहे हैं तो भाई पूरा स्टार्ट से ही देखे, वरना क्या फायदा। मेरा क्या पोज है, व्हाट द हेल इज दिस पोज बाय द वे? ये पोज क्या है, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? किसी नटखट आंटी की तरह लग रहा हूँ भाई मैं। आई लुक लाइक सम नटखट आंटी यार। उसने वो बोला, ऐसा कुछ लग रहा है भाई, पता नहीं। एनीवेज, नाउ इट्स फाइन। स्टीफन हॉकिंग, अरे नहीं भाई ऐसे मत बोलो यार, ऐसे मत बोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी जीनियस के लिए बेइज्जती है, एंड सेकेंड मुझे व्हील चेयर पर नहीं टकना। सो बोथ वेज इट्स एन इंसल्ट टू बोथ। मतलब सस्ता स्टीवन हॉकिंग, आंटी कहाँ से आई भाई? ऐसे ना प्रखर अपना किस्सा बना बता दो मजेदार सा भाई। प्रखर रहा स्कूल में लिटरली, मतलब आई यूज थिंक क्या, मतलब इतना काम आदमी है, कितना शांत इंसान है। लाइक मतलब ही वॉज नॉट ऑल कॉन्फिडेंट इन स्कूल, मतलब ही वॉज वेरी ऐसे, मतलब बिल्कुल भी अलग ही था वो। He is so confident now. What's the best course for rapid rating 1500? It would be the rated course. Vantia Khelri. Guys, now it's 13 minutes to go to the end of the stream. I'll round up all the games. I think that makes like the best best thing to do. So, let's do that. So, let's go game by game. First of all, we'll go to the female boards. He said you were a bully. Usko lag raha hai yaar, because I was so huge. And he was 3 years younger to me, so he was of course very tiny in size in court. So I think that's the issue. best course for 800, the foundation course, no doubt. Foundation course 110%. वो अकेला course आपको 800 से 1100 पहुंचा देगा भाई। अकेला course 300 point, देख लेना। You just give a testimonial. Yeah, I mean he knows his stuff. Yeah, he knows his stuff. He's one person you definitely listen to for content, yeah, and learn. Literally, you can trust him blindfold with his content. मतलब इतना epic उसका वो है सारा. So guys, time for roundup before we end the stream in 12 minutes. Let's go. So guys, first of all, we start with Harika's game. As you can see, Harika has a slightly better position because she has more space on the queen side. She has these pieces. Knight can go to f5. Sometimes bishop g5. There's some attacking chances here. Although the position is bit, this center can open up. I think still it's better for Harika. Let's go to the game of Vantika now. 35 chess player. Bhai, fir, aap please chess na khele. That's the best advice. Oh, bhai, Vantika's game is like crazy. So we saw it till here. Rook e7, a4, takes. Bishop here. e5, queen b2, bishop d4, queen b4, rook c7, rook c8. And apparently, guys, Zansaya is slightly better here because her a pawn is really strong and Vantika's king is a bit weak. But on the other hand, she has very strong pawns, so it's a very complicated position. Very complicated position here.
It will be fun to follow this game, of course. Let's go to the game of Padmini now. Padmini's game is very solid. I think one of the most solid positions. She can just take on a4. She can play knight a1, b1 also. She can play anything she wants. She has a Meroxy bind, control over d5. It looks like a slightly better position for Padmini. Let's check out Vaishali's game. How is she doing? Vaishali, as usual, has a very equal position. I think today's theme is a d5 square somehow. You can see she also controls, her opponent also controls d5. Anirudh, yeah, I mean, I will end the stream in 10 minutes anyway, so there's no point of putting the results right now, because I want to watch the match today. And after c3, guys, it's black to play, so Vaishali is definitely doing fine here. Let's look at the game of, I think it was Divya who's left. In Divya's game, I think Divya has been really good. She has plonked her knight on e7 and f6. The bishops are not doing so well, blocked by pawns. The rook is still not g1. The king is a bit unsafe. I think Divya definitely has a slightly better position and also the higher rating. So I think Divya should be able to win this. Guys, do like the stream. Let's get to 900 likes. अगर अगले एक मिनट में 900 लाइक हो गए तो मेरे स्ट्रीम बंद करने से एक मिनट पहले 729 पे मैं एक बंदे के यहाँ गरम गरम समोसे भिजवाने वाला हूँ भाई जल्दी से, लेकिन 900 लाइक एक मिनट में होने चाहिए. सो वी कम बैक टू मेन सेक्शन गाइस, वी लुक एट ऑल द गेम्स वन बाय वन. दिस इज अदिबान्स गेम. एज यू कैन सी, अदिबान हैज एन इक्वल पोजिशन राइट नाउ. इट्स इक्वल बट देर आर सम चांसेस फॉर अदिबान. वाई? Because he has an extra pawn on the queen side. In the pawn endgame, he's literally winning. And why? Black has double pawns. So Adiban has some potential chances here. So I think he can win this. Let's go to the game of Nihal Sareen. Nihal played king to f8. A very good move, of course. Trying to prepare bishop e6 maybe. That could be his plan. White can probably play a3. He can play rook to c3. He can play knight to d2. Many ideas. But the game is still roughly equal, I think. But Nihal definitely not agreeing to a draw immediately. That's a good sign. And we go to the next game. That is Erigaisi Arjun. Erigaisi Arjun has a very complicated game. I think both sides are attacking. Gorechkin attacking on the king queen side. Arjun attacking on the king side. I think this will be a cracker of a match to follow. We go to the game of... what is the next game? Let's see who is the next Indian player. Pragnanda. In Plus game, guys, as we discussed, instead of h6, black played knight to e7. But now, white can simply play queen to d2 and start using the a file after bishop here. He can also capture here. He can also play knight e3. I think I like Plus position a lot. With queen d2, he has also prevented h6. So that would be a really good move. Let's see. So Prag is definitely slightly better, guys. I think he should be able to win this game, and that would be great news. Let's go to the next game, and that is Gukesh. Gukesh is facing David Navara, and he is after queen c7. Navara played, is still thinking. So I think in this position, Navara should play d5. That will give him a protected passed pawn, but that would mean Gukesh under pressure, really under pressure. Next, we go to the game of Hari Krishna. Hari Krishna is having a very equal position. He has just played the move bishop to b5. And as you can see, he is having a similar theme as to the Sicilian defense we saw. Bishop f6, knight d5 can be a pattern he can go for. So, very similar to the other games as well. Rohit Sharma, first ball, duck again. What? Match start ho gaya kya? Kya baat kar rahe ho? Abhi thodi start hua hoga. अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ भाई. स्कैम मत करो यार. डोंट स्कैम गाइस. डोंट स्कैम प्रोनुम जी. डोंट स्कैम यार. डोंट स्कैम मी. सो आफ्टर द नेक्स्ट गेम इज कारुआना गाइस. कारुआना इज हैविंग एन इक्वल पोजीशन आई थिंक. बट ओ ही इज बेटर नाउ. समहाउ ही गॉट रिड ऑफ वन बिशप. सो फाइनली अली रिजल्ट्स गेम. आई थिंक हियर गाइस वेशर लग्राव इज स्लाइटली बेटर. Not only objectively, but also practically, I like his position with the knight on f4. So it's still kind of around equal, but Aliza has to play some good chess to kind of equalize this practically. So let's see what happens here. So guys, with only Surya's game is left,
ट्विच पे आ जाओ, मैच देखते हैं। बहुत बढ़िया भाई। वो बाद में बीसीसीआई जो मुझ पे और आईसीसी जो मुझ पे करोड़ों का जो लॉसूट करेगी उसका तुम पैसा भरोगे क्या भाई? बाय द वे ओके, सो e5, नाइट e4, बिशप c6, बिशप f3, रुक d8, c4 इज यूजुअली अ गुड मूव, बट द इशू हियर इज ब्लैक इज थ्रेटनिंग डी टेक्स e5 एंड यू कैप कैन नॉट कैप्चर विद द पॉन विच यू वुड लाइक टू, एंड इनडीड Black captured on e5 and now queen takes. And guys, usually white is trying to attack in these positions on the king side. Once the queen is traded off, this pawn is just a bit weak. So after f6, oh, black exchanged. That's a very weird move by black. By the way, I know this guy, Budi Stavlejic Luka. I know this guy. I've played a same tournament as him. I have played him actually. I drew against him. At that point, he was 2400. Now he's 2500. So he's also. I do not like his move f6, but okay. So India has not won from recent 18 years in World Cup. Why Pakistan also had not won from India in World Cup for 10 years or so. So things will change now. So with that, we have seen all the games, guys. I'll quickly go to Nihal's game once more, and then I'll end the stream in 5 minutes. Guys, stream likes the Kardo. Let's get to 900 likes. And if you're here for the first time, do subscribe to the channel, guys. Become a part of a family. Maze karenge saath mein bhai roz. Dhoni, bhai. Tasun ji, aapne bahut hi khatarnak cheez bol di, bhai. Abhi yahan pe angare nikal aayenge, bhai. Dhyan se, bhai, dhyan se. Hello, Raghav ji, kya haal hai? Tikku ji, you are legend. Thank you, Blueface ji. Guys, if you have any questions, you can ask me right now. I'll end the stream in 4 minutes. Match follow karenge yaar. Ronak's game. Arre yaar, we did not see Ronak's game, by the way. My bad. Somehow I missed his game. Thank you for reminding me. By the way, Ronak was much, much better, and he still is. After rook d8, he played bishop f4, which we discussed. And after knight c6, rook to d2, h6, rook to d1. G5, bishop g3, I think Ronak is doing really well. He has an extra pawn which he has defended really well. And by the way, if black plays g4, trying to capture this pawn, white will first capture on c6, bc6, and now he can simply play, oh sorry, rook d2 first, rook d2 and then bc6, and now the pawn is again defended. He can just play knight to d4 and all is fine. So I think I like Ronak's position. I think Ronak is going to win this for sure. If I'm about sure about one person from Team India who will win this, I think it is Ronak. Firuja versus MVL. We saw that game. Actually, we just saw that game. Knight d3 was played, and I think MVL is doing really well. Hi, bolne ke liye subscribe kiya hai. Hello, Aishman ji, bhai. Kya hal hai? Are you a professional chess player? Please tell. Do you play in tournament? Yes, ji, I am a semi-professional chess player. Professional would be anybody above IM. Hopefully, I'll be in IM soon. That's the plan for January. Sasikiran, Sethu. Are Sethu bhi reh gaya. Why Sethu? Apna Sethu kaise bhul gaya main? Sethu. Okay, bahut hi calm position hai, guys. Black has hanging pawns. I do like these pawns. They gain a lot of space. So I think Sethu is doing really well. I like his position. Although still almost equal, let's say. highest rated player I've won, I think it's 2-5, just 2-5-0-9 or something. I think Lucas van Foresty tha. Ronak lost his edge, really. no, he still has his edge, bhai. I don't see how he lost his edge. He still has it. He still has it. Of course, he has it. Ek aur scam tha, bhai. Nihal winning bracket mein scam. Bahut badhiya. Thank you, bhai. Aise scam pasand hai. Jahan pata lage scam ho. Like, wo ek star laga uske samne ki pata jahan bhai. Ye cheez scam hai. Ye cheez asliyat hai. Guys, with that, it's time to end the stream. Thank you for joining in. Bahut hi maza aaya, bhai, aaj. And aaj mera gala bhi bahut thaka hua hai. And aaj match bhi hai. So, aaj stream thodi jaldi end karenge. Thank you for joining in, guys. I'll see you tomorrow again with the same stream. So, tayar rehna bhai.
बाय गाइस, आई विल सी यू टुमारो, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, आई विल सी यू टुमारो गाइस, बाय बाय, खुश रहना भाई, मैच देखो, इंडिया ओपन द चैट, लेट्स होप इंडिया विंस, बाय गाइस, सी यू टुमारो, टाटा.